हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आप सभी का। और राधे राधे भाई, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो आप सभी का स्वागत है अड्डा 24x7 पर। और KTM किड, ज्योति चतुर्वेदी, दीपक कुमार, राजेश, अमित पाल, शूटर, रजनीश, अनवरुल हुड्डा, इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत करते हैं आप सभी का अड्डा 24x7 पर। और आज महामैराथन है जो 12 घंटे लगातार चलेगी। डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट होंगे। सबसे पहले मैं करंट अफेयर लेकर के आपके साथ में आ गया हूँ, ठीक है। 7 से 9 मेरा सेशन है। जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे इस बीच में करेंगे। और बस जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेशन शेयर कर दो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। लगातार जुड़े रहना, सारे क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएंगे, बिल्कुल मान के चलिए, ठीक है मेरे भाई। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। 6 मंथ के करंट अफेयर का मेरा सेशन लगातार चल ही रहा है और आज इसका 4th and 5th डे हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? 4th and 5th डे करेंगे, 4th and 5th डे करेंगे। आपको मैं 1, 2 और 3 डे ये करा चुका हूँ, ये 3 दिन मैं आपको करा चुका हूँ। 4 and 5th डे करेंगे और जल्दी से जल्दी 6 मंथ का करंट अफेयर खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो 6 मंथ के करंट अफेयर से ही आएंगे। CHSL का एग्जाम भी चल रहा है, बहुत सारी कंडीशन है, NTPC का एग्जाम आने वाला है गाइज। तो जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दो, जिससे मैक्सिमम लोगों को इस सेशन का बेनिफिट होना शुरू हो जाए। क्लियर एवरीवन? तो चलो जल्दी से कुछ चीज़ें, लेकिन उससे पहले जब से सेशन स्टार्ट हो मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि सुबह मंडे को, यानी मंडे से लेकर सैटरडे तक रोज़ सुबह 8 बजे मेरा ये सेशन होता है करंट अफेयर्स का। कौन सा सेशन होता है भाई? करंट अफेयर का सेशन रोज़ सुबह 8 AM पर होता है। कितने बजे होता है? 8 AM पर। तो इसमें मैं डेली का करंट अफेयर कराता हूँ, तो रोज़ सुबह 8 बजे मेरे साथ जुड़ना मत भूला करो। SSC अड्डा 247 पर रोज़ सुबह 8 बजे मैं करंट अफेयर का सेशन आप लोगों के लेके आता हूँ। आज बहुत बड़ा दिन है, पूरे दिन 12 घंटे, यानी सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक महामैराथन चल रही है। तो आप सभी लोग जुड़े रहिए ज़बरदस्त तरीके से, और मैं आपको बता रहा हूँ बहुत परफेक्ट इफेक्ट आपको दिखाई देने वाला है। बहुत जल्दी आपको इफेक्ट दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबको आज डिस्कशन किए जाएंगे। वो चाहे मैं अभिषेक गुप्ता आपकी क्लास ले रहा हूँ, चाहे फिर आपके GS के सर हों, फिर आशुतोष सर हों, मैथ के अक्षय सर हों, जो भी लोग, और अतुल अवस्थी सर जो क्लास लेंगे, ज़बरदस्त क्लास आप लोगों की चलेगी। तो बस फटाफट साथ में जुड़े रहो, तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। राजा जय महाकाल भाई, जय महाकाल। प्रदीप को गुड मॉर्निंग, लाइफ इज ऑल अबाउट गुड मॉर्निंग, ठीक है। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। क्लास होगी या नहीं, KTM किट पूछ रहे हैं, क्लास होगी, 100% शुरू हो चुकी है भाई। तो फटाफट सब लोग जुड़ जाओ और जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसकी PDF आपको मिल जाएगी, मैं बता रहा हूँ, PDF सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है भाई। चलो भाई देखो, दो चीज़ें मैं आपको बता दूँ, ये कुछ हमारे बैचेज आए हुए हैं, मैं आपको बता दें। UPSC RO ARO की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है कि 3 लाख वैकेंसी आ रही है। कितनी वैकेंसी आ रही है? 3 लाख वैकेंसी, कई डिक्लेयर भी हो चुकी हैं, तो इतनी सारी वैकेंसी आ रही हैं। विनय यादव जय महाकाल। तो मैं आपको बता दूं कि RO ARO की वैकेंसी आ रही है, तो ये बैच हमारा लग चुका है, बहुत ही कम रेट में होगा। आई थिंक 1000 से लेकर 1.5K के बीच का बैच होगा। और UPSSC चकबंदी लेखपाल की अभी 8500 वैकेंसी आने वाली है, डिक्लेरेशन हो चुका है इसका। ये बैच आपको सिर्फ 999 रुपये मिल जाएगा। आप एक कोड यूज़ कर लीजिएगा, FLAG999, इस कोड को यूज़ करने से ये बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 999 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जितने भी लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। इंद्रमाला, वीनू, रिचा, लोकेश, करंट अफेयर लोकेश, देखो करंट हमेशा अफेयर याद रखिए कि आपके जो वनडे एग्जामिनेशन होते हैं वो 6 मंथ का आता है। कितने मंथ का आता है? करंट अफेयर 6 मंथ का आता है। जब भी वनडे एग्जामिनेशन होगा तो करंट अफेयर हमेशा 6 मंथ का आएगा। यूपी में बेटा राजस्थान की भी वैकेंसी आने वाली, राजस्थान हाईकोर्ट की जो वैकेंसी आई है उसका भी बैच हमारे पास है। राजस्थान हाईकोर्ट आप सर्च कर लीजिएगा तो राजस्थान हाईकोर्ट का भी बैच मिल जाएगा। तो बहुत सारे बैचेज है। दीपक कुमार कनवार, वेरी गुड मॉर्निंग। नेहा, आपको बता दूं कि राजस्थान का जो है वो हाईकोर्ट का बैच आया हुआ है, वो आप ले सकते हैं, क्योंकि उसकी वैकेंसीज हैं अभी, ठीक है। तो UPSSC चकबंदी लेखपाल की वैकेंसी आने वाली 8500 वैकेंसी है, तो ये बैच सिर्फ आपको 999 रुपये में मिल जाएगा। आपको कोड यूज़ करना है FLAG999, ठीक है मेरे भाई। चलो अब आ जाते हैं जल्दी से आज के क्वेश्चन पर, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, फटाफट करना शुरू करते हैं जबरदस्त तरीके से आज के क्वेश्चन, ठीक है गाइस। वर्चुअल मोड पर 15वें भारतीय यूरोपीय शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कब हुआ? यानी कि VC के द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा 15th, ये जरूर याद रखिएगा। वो पूछता है 15वां है कि 16वां है कि 17वां है, ये पूछता जरूर है। बैच कितने का? बैच सिर्फ 999 रुपये का है, ठीक है। तो आप बैच वहां से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। हाईकोर्ट का बैच होगा 1500-1500 के आसपास होगा बेटा नेहा, ठीक है। आप एक बार अड्डा 24x7 की वेबसाइट पर या आप अपने ऐप पर देख सकते हैं, वहां पर आपको दिखाई पड़ जाएगा, ठीक है। चलो जल्दी से हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वर्चुअल मोड पे 15वें भारतीय यूरोपीय शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कब हुआ था? वेन वॉज द 15th इंडियन EU समिट 2020 ऑर्गेनाइज ऑन वर्चुअल टर्न, ठीक है। 12 जुलाई
13 जुलाई, 14 जुलाई या 15 जुलाई, कब इसको किया गया था? भैया जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर करो और लाइक करना शुरू कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो, शेयर ज़रूर करते चलो, ठीक है? सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर करो, ठीक? तो आपको बता दें कि वर्चुअल मोड पे ये जो सम्मेलन हुआ था वो आपका हुआ है 15 जुलाई को हुआ है। कब है मेरे भाई? 15 जुलाई को ये सम्मेलन हुआ है। जल्दी जल्दी करेंगे, आंसर भी फटाफट करेंगे। 15 जुलाई को ये सम्मेलन हुआ है, ठीक है? और आंसर जल्दी जल्दी सब लोग देना शुरू करो। 15 जुलाई को यह सम्मेलन हुआ है, इसमें नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यूरोपीय जो आपके यूरोपीय यूनियन के जो अध्यक्ष हैं चार्ल्स मिशेल, ठीक है, ईयू के जो हेड है, ईयू के हेड है चार्ल्स मिशेल, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इन लोगों ने मिलकर के पार्टिसिपेट किया था इसमें। और आपको बता दें कि ये जो है जो सम्मेलन हुआ है वो आपका कहाँ पर हुआ है? वर्चुअल मोड पे हुआ है। इससे पहले का जो 14th सम्मेलन हुआ था, जो 14वां सम्मेलन हुआ था, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो न्यू दिल्ली में हुआ था, 2017 में न्यू दिल्ली में हुआ था इससे पहले वाला सम्मेलन। क्लियर एवरीवन? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी। केंद्रीय नौवहन राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा बांग्लादेश भारत तटीय अनुबंध माल परिवहन का प्रथम संचालन कब हुआ? व्हेन डिड द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द बांग्लादेश इंडिया कोस्टल कॉन्ट्रैक्ट फॉरेन ट्रांसपोर्ट बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर शिपिंग, ठीक है, मनसुख मंडाविया स्टार्टेड। मनसुख मंडाविया ने अभी इंडिया और बांग्लादेश में, अगर हम ये बात करें, देखिए ये इंडिया का मैप है और ये जो पूरा एरिया पड़ता है ये बांग्लादेश का यहाँ पर पड़ता है, ठीक है, ये एरिया बांग्लादेश का पड़ता है यहाँ पर। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगी, ठीक है रवि कुमार जी, रवि जी आपको पीडीएफ जो इसकी है वो आपको कमेंट बॉक्स में नीचे मिल जाएगी, जो हमारा कमेंट बॉक्स है, सेशन खत्म होने के 1 आवर के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है मेरे भाई? बस जल्दी से जल्दी पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लो, ठीक है? ठीक है चलो बताओ, अब भारत तो बांग्लादेश के बीच में एक नौ परिवहन योजना शुरू कर दी गई, तो वो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है और कब चलाई गई है ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो योजना शुरू की गई है 16 जुलाई को शुरू की गई है। कब शुरू की गई है? 16 जुलाई 2020 को शुरू की गई है। और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक मैं बता दूं, पहले तो जोड़ो यार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ठीक है? और 16 जुलाई 2020 को ये योजना शुरू की गई है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इंडिया के कोलकाता पोर्ट से, कौन से पोर्ट से? कोलकाता पोर्ट से लेकर के और बांग्लादेश में चटगांव पोर्ट, कौन से पोर्ट? चटगांव पोर्ट में, ये इनके बीच में ये जो आपकी बांग्लादेश भारतीय तटीय माल परिवहन जो योजना शुरू की गई है वो इस बीच में शुरू की गई है। यहाँ से यहाँ तक जहाज चलाए गए हैं, कोलकाता से लेकर चटगांव तक ये जहाज चलाए गए हैं। इन जहाजों के थ्रू जो माल की ढुलाई होती है उनको करना आसान होगा, वाया त्रिपुरा निकलेंगे, तो ये एक पूरा प्रोसेस बनाया गया। क्लियर एवरीवन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। भारत ने किस देश के साथ में हाल ही में एशिया एवं अफ्रीका के सक्रिय अन्वेषण की संयुक्त परियोजनाओं पर काम करने का निर्णय लिया है? विद विच कंट्री इंडिया हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू वर्क ऑन ए ज्वाइंट प्रोजेक्ट एक्टिव एक्सप्लोरेशन इन एशिया एंड अफ्रीका। देखो अभी क्या है, अफ्रीका की अगर बात करें तो अफ्रीका में दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब कंट्री हैं, जो तीसरे दुनिया के देश कहे जाते हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्री कहे जाते हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्री सबसे ज़्यादा सीपीओ के लिए भी है, सारे एग्जाम के लिए है, ठीक है? जितने भी एग्जाम आप करंट में दे रहे हैं, ये 6 मंथ का करंट अफेयर हर एग्जाम में पूछा जाएगा। और मैं बता रहा हूँ आप ध्यान, जो ये सेशन मैं चला रहा हूँ सोमवार से शनिवार ये शाम को 5 बजे चलता है, आज संडे को मैं आपके लिए स्पेशल सेशन लेकर के आया हूँ। मैं आपको बता दूं, आप इस सेशन को कर लीजिए मेरे साथ पूरा, मैं इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 से 1.5 महीने में खत्म कर दूंगा, और इस सेशन के बाद आपको करंट अफेयर कहीं से नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? ओके तो रचना शर्मा जी कह रहे हैं कि 1 महीने में ऐसा क्या करें कि जो मैक्सिमम मार्क्स ग्रैब कर सके सीपीओ में, जीएस सेक्शन में। देखो जीएस सेक्शन में आप एक तो सबसे पहला काम कर दो, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो लगा डालो, पीपीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप सॉल्व कर दीजिए, कुछ क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएंगे, प्लस जीएस की जो बेसिक आपने पढ़ी है वो आप जो है एक बार कवरअप कर लीजिए, आपका कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई? 13 को सीएचएसएल का पेपर है, तो सीएचएसएल में बस आप रिवीजन करके चले जाइएगा करंट अफेयर का, लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर तो रिवाइज आपको करना ही पड़ेगा सीएचएसएल के लिए, ठीक है भाई? चलो आ जाओ भाई। तो किस कंट्री के साथ भारत ने निर्णय लिया है कि हम अफ्रीका में सक्रिय रूप में काम करेंगे? देखो अफ्रीका में सबसे ज्यादा गरीब कंट्री है, विश्व की सबसे ज्यादा गरीब कंट्री अफ्रीका में ही है, और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम अफ्रीका में क्या हुई कि कोविड-19 महामारी के दौरान वहां पर सहायता राशि पहुंचाना सबसे बड़ी एक समस्या थी। तो भारत ने बहुत से देशों को सहायता राशि पहुंचाई है, और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो इसने टाई अप किया वो रशिया के साथ मिलकर के किया है। किसके साथ मिलकर के किया है? यानी भारत और रशिया मिलकर के एशिया एंड अफ्रीका में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं,
देखो एशिया में हम अफ्रीका की सक्रिय अन्वेषण की संयुक्त परियोजनाओं पर काम करेंगे, यानी कि एशिया और अफ्रीका में जो जो इश्यूज हो रहे हैं COVID-19 की वजह से, उस पर भारत और रूस मिल करके उनके ऊपर काम करेगा और वहां पर इन सबको क्या करेगा, इन सबको फायदा पहुंचाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो दो दो जो हैं विशेष आयोजक जो थे, दो लोग मिलकर के किया है। एक तो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है RICA, ये रशिया की ऑर्गेनाइजेशन है। कहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है भाई? रशिया की ऑर्गेनाइजेशन है, RICA रशिया की ऑर्गेनाइजेशन है। और इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है ICWA, ICWA। ठीक है, ये इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है। इन दोनों ने मिल करके किया, बिल्कुल रशिया आप सबका सही आंसर आ रहा है, इन दोनों ने मिल करके किया है। और ये मॉस्को में है और ये आपकी दिल्ली में है, दिल्ली और मॉस्को में, यानी इनका हेडक्वार्टर जो है मॉस्को में है, दिल्ली में ये है। क्या मैं आपको बता दूं कि रशियन इंटरनेशनल अफेयर्स कमेटी है। ठीक है, रशियन इंटरनेशनल अफेयर्स कमेटी है। और ये जो आपकी है क्या नाम है इसकी, अगर बात करें हम ICWA की, अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, ICWA जो है वो आपका इंडियन इंडियन सेंटर फॉर वर्ल्ड अफेयर है। क्या है? इंडियन सेंटर फॉर वर्ल्ड अफेयर्स है और इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। ठीक है, और TCA राघवन इसके हेड है, TCA राघवन जो है वो इसके हेड है, TCA राघवन इसके हेड है और ये इसको करेंगे। ठीक है, हाँ, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज जो चलती है वो आपकी इंडिया और रशिया के बीच में चलती है। ठीक है, तो सी देखिए इसका आंसर ए हो जाएगा, रशिया है। ठीक है, ये मैं सही कर दूंगा, इसका आंसर जो होगा वो रशिया है। ठीक है भाई, क्या है? हाँ, इसका रशिया ए आंसर है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, रशिया। ठीक है, चलो भाई देखो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2020 CJP की घोषणा कहां पर की गई है? वेयर वॉज द इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 CJP अनाउंस्ड? बर्लिन, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क या पर्थ? ठीक है, बर्लिन आपकी जर्मनी में पड़ती है, कैलिफोर्निया अमेरिका में और न्यूयॉर्क भी अमेरिका में, पर्थ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, जल्दी से आंसर देना शुरू करो भाई, कौन है? ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आ जाओ देखो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर जो है वो आपका क्या है भाई, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पॉइंट कुछ गड़बड़ लग गया है, जो टाइपिस्ट है हमारे उनसे थोड़ा सा कुछ यहाँ पर है। इसका जो आंसर है वो आपका न्यूयॉर्क है। क्या आंसर है भाई इसका? सी आंसर सही हो जाएगा। क्या आंसर सही हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा, रशिया जो इसका न्यूयॉर्क आंसर, न्यूयॉर्क में अभी ये पुरस्कार बांटे गए हैं। कब बांटे गए हैं? 13 जुलाई 2020 को। कब बांटे गए? 13 जुलाई 2020 को ये अवार्ड बांटे गए हैं, 13 जुलाई 2020 को ये अवार्ड बांटे गए। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता दें कि ये जो पुरस्कार दिए गए हैं ये किसके द्वारा दिए जाते हैं, मैं बता दूं CJP के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, कौन सी संस्था देती है? CJP देती है, कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट को प्रोटेक्ट करने वाली कमेटी है CJP, यानी कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, ये कमेटी जो है ये अवार्ड देती है। और इस बार जो 2020 के अवार्ड मिले हैं, आप अगर नोट्स बनाते हैं तो कहीं नोट कर लिएगा, ये मिला है शहीदुल इस्लाम को, शहीदुल इस्लाम इनको अवार्ड मिला है, ये बांग्लादेश से हैं, याद रखिएगा कहाँ से, बांग्लादेश के, मतलब जबरदस्त पत्रकारिता के लिए ये सब इनको दिया गया, शहीदुल इस्लाम यहाँ से है, मोहम्मद मोजेद ईरान से, मोहम्मद मोजेद तो हैं ये ईरान से है, इनको अवार्ड दिया गया। चार लोगों को बेसिकली टॉप कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया गया है, एक शहीदुल इस्लाम बांग्लादेश से, मोहम्मद मोजेद ईरान से, दोपो ओरुपी इनको ये अवार्ड, ये नाइजीरिया से हैं, कहाँ से हैं? नाइजीरिया से हैं। और इसके साथ साथ स्वेतलाना स्वेतलाना प्रकोया को, स्वेतलाना प्रकोया को ये अवार्ड दिया गया है जो कि बिलोंग करती हैं रशिया से। तो चार लोगों को, चार कंट्रीज को ये अवार्ड अभी शुरुआत में दिया गया, बांग्लादेश के पत्रकार को, ईरान के पत्रकार को, नाइजीरिया के पत्रकार को और रशिया के पत्रकार को, इन लोगों को ये अवार्ड्स प्रोवाइड कराए गए हैं। क्लियर एवरीवन, इन लोगों को ये अवार्ड जो हैं प्रोवाइड किए गए हैं। और इस बार एक चीज और ध्यान रखिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? प्रेस स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस ये हर साल, देखो ध्यान रखना ये सब भी बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके में आपसे पूछता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल 3 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई मेरे?
3 मई को हर साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो 13 जुलाई को क्या किया गया, ये आईसीजे ने ये अवार्ड घोषित किए हैं, ठीक है। और इसमें कितने, ये 4 जो कंट्री हैं, सईदुल इस्लाम, मोहम्मद मोजेद, दोपो अरपी और स्वेतलाना प्रोकोया को ये अवार्ड दिया गया है। क्लियर एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो जल्दी से इतने सारे लोग जुड़े हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लो जल्दी से। एक दो एक छोटा सा बटन दबा होगा, लाइक का बटन दबा होगा, लाइक कर दो और शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में, सेशन को शेयर कर दो, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस दक्षिणी अमेरिकी देश में भारतीय मूल के व्यक्ति को राष्ट्रपति चुना गया है? इन विच साउथ अमेरिकन कंट्री वॉज अ पर्सन इंडियन ओरिजिन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट? कोलंबिया, अर्जेंटाइना, गुयाना या सूरीनाम? कहां पर किया गया बताओ भाई जल्दी से। कहां पर किया गया जल्दी से बताइएगा। और जो जिनको राष्ट्रपति चुना गया उनका नाम है चंद्रिका प्रसाद। क्या नाम है भाई? चंद्रिका प्रसाद। चंद्रिका प्रसाद जी को राष्ट्रपति चुना गया, कहाँ का चुना गया है? कि पीडीएफ नहीं मिलता है बेटा, मैं अभी चेक कराता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। कौन बोल रहा है भाई? मोनू जी बोल रहे हैं, पीडीएफ नहीं मिलता है। हाँ इंडिया की रैंकिंग ठीक है, ये कह रहे हैं कि पीडीएफ नहीं मिलता है। चलो भाई आज से पीडीएफ मिलेगा, अभी मैं सारे पुराने चेक करवा लेता हूँ, पीडीएफ लगवा देता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब में पीडीएफ लगवा दूंगा, ठीक है भाई। बस तुम लोग जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाओ, ठीक है। सूरीनाम, बिल्कुल सही, जिन्होंने आंसर दिया सूरीनाम बिल्कुल सही आंसर है। दक्षिणी अमेरिकी कंट्री है सूरीनाम, यहाँ पर पड़ता है दक्षिण अमेरिका में। और सूरीनाम के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चुने गए हैं उनका नाम है चंद्रिका प्रसाद। कौन चुना गया भाई? चंद्रिका प्रसाद जी चुने गए हैं, और इनकी पार्टी का नाम है पीआरपी। पार्टी का नाम भी लिख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, कई बार पार्टी का नाम पूछा जाता है, ठीक है ठीक है। अरे इनको देखो शॉर्ट में संतोखी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? संतोखी चांद के नाम से भी जाना जाता है, संतोखी चांद के नाम से जाना जाता है। मेन नाम इनका चंद्रिका प्रसाद है, और जो इनकी पार्टी का नाम है प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी है। क्या नाम है? प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी है, इसको प्रोग्रेसिव हिंदुस्तानी पार्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी के नाम से भी जाना जाता है, और प्रोग्रेसिव आपका हिंदुस्तानी पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। देखो कुछ कंट्री आपको वर्ल्ड के बता देते हैं जहां पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर होते हैं या इंडियन प्रेसिडेंट होते हैं, जैसे कि आपका एक मॉरिशस है। कौन सा कंट्री है? मॉरिशस। मॉरिशस में इंडियन पॉपुलेशन जो है वो 60% से ज़्यादा, भारतीय पॉपुलेशन। सूरीनाम की बात करें तो 27% इंडियन पॉपुलेशन है। फिजी की अगर बात करें, छोटा सा कंट्री फिजी पड़ता है ऑस्ट्रेलिया के पास में, फिजी की 55% जो पॉपुलेशन है इंडियंस है। ये अंग्रेज जो थे इन सबको वहाँ पर खेती कराने के लिए लेके गए थे, वहाँ पर बेहतरीन इनकी ये लोग रुके रहे, वहीं पर बसना शुरू हो गए, और आज की डेट में वहाँ पर गवर्नमेंट अपनी बना रहे। तो एक बड़ी उपलब्धि है जो वहाँ पर है। वेस्ट इंडीज की कंट्री आपने सुना होगा, एक टीम आपने सुनी होगी वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज जो है वो 50 कंट्री का ग्रुप है। कितने कंट्री का? हमेशा याद रखिएगा कि वेस्ट इंडीज कंट्री अगर आप कहीं ढूंढेंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं मैक्सिमम बिहार और यूपी से, ईस्ट यूपी और बिहार से ही बसे हुए हैं जहां तक बाहर के लोग हैं। और आपको मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि वेस्ट इंडीज आपने सुना होगा जो कंट्री क्रिकेट खेलती है वेस्ट इंडीज की, ब्रायन लारा वगैरह के, जहां के मेन बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहे हैं। तो वेस्ट इंडीज कंट्री एक कंट्री नहीं, 50 देशों का ग्रुप है। कितने देशों का ग्रुप है? 50 कंट्री है दुनिया में। उन 50 देशों को मिला करके, ये जो क्यों ये सब पड़ती है आपकी जो कैरेबियन सी में जितनी कंट्री पड़ती हैं वो सबको मिला करके ये वेस्ट इंडीज बनता है, ठीक है भाई, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलो बताओ, भारत ने किस देश के साथ स्ट्रेटजिक एनर्जी पार्टनरशिप के लिए एक आभासी मंत्रिमंडलीय बैठक में भाग लिया है? किसमें भाग लिया भाई? आभासी मंत्रिमंडल बैठक में, मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया है। विद विच कंट्री डिड इंडिया पार्टिसिपेट इन द वर्चुअल मिनिस्ट्रियल मीटिंग स्ट्रेटजिक एनर्जी पार्टनरशिप? ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा, स्ट्रेटजिक एनर्जी पार्टनरशिप के लिए किस कंट्री के साथ में अभी इन्होंने बैठक की है, आपको ये बताना है। अमेरिका के साथ, जर्मनी के साथ, फ्रांस के साथ, कि जापान के साथ? बताओ भाई जल्दी जल्दी आंसर देना शुरू करो सभी लोग। बताओ भाई आंसर देना शुरू करो जल्दी जल्दी फटाफट, आपकी तरफ से आंसर आने जरूरी है, मैं तो बता ही रहा हूं। देखो मैंने तो आंसर लगा दिया, संयुक्त राज्य अमेरिका किसके साथ में किया है? यूएसए के साथ में किया है, मैं तो आंसर लगा दूंगा, लेकिन आप लोग आंसर जरूर इसमें पुट अप कीजिए, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। विद विच कंट्री डिड इंडिया पार्टिसिपेट इन ए वर्चुअल मिनिस्ट्रियल मीटिंग फॉर स्ट्रेटजिक एनर्जी पार्टनरशिप? किसके लिए? स्ट्रेटजिक एनर्जी पार्टनरशिप के लिए किया है, तो उसका नाम है यूएसए। किसके साथ किया भाई? एक सेकेंड,
ठीक है, यूएसए के साथ में किया है, क्लियर एवरीवन। और कब किया था? 17 जुलाई 2020 को, 17 जुलाई 2020 को ये मीटिंग हुई थी, वर्चुअल मोड पे मीटिंग हुई थी। ठीक है, किस मोड पे हुई थी? वर्चुअल मोड पर ये मीटिंग हुई थी, 17 जुलाई 2020 को ये मीटिंग हुई थी। और इसकी अगली बैठक 2021 में होगी। कहाँ पर होगी भाई? 2021 में होगी। और बेसिकली जो इसका एम है कि आपकी जो कोयला है, आपकी गैसेज जो है, उसके साथ जो एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है, उस पर ये मीटिंग की गई है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से। किस देन ने ट्रीटी ऑफ ओपन स्काई से, मुक्त आसमान संधि से, मई में 2020 में अलग होने की घोषणा की है? यानी मुक्त आसमान संधि जो थी 32 देशों के बीच में ये थी, उससे अलग होने की घोषणा किस देश ने कर दी है? विच कंट्री अनाउंस द सेपरेशन फ्रॉम द फ्री स्काईज इन मई 2020? जर्मनी, रूस, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका? किसने किया है भाई इस संधि से बाहर होने के लिए, किसने बोल दिया है, जल्दी बताओ भाई। देखो मुक्त स्काई क्या था ये मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, थर्मल एनर्जी, बेसिकली थर्मल एनर्जी से रिलेटेड था, पहला क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें आंसर बता दो जरा। अब देखो इसमें है क्या, मैं आपको बता रहा हूँ कि रशिया ने अभी क्या किया है, एक एक एग्रीमेंट था कि भैया आपकी जो आर्मी है, आर्मी के लिए या हमारे जो एयर का पूरा एरिया है, यानी हवा का जो एरिया है, जो ऊपर आसमान है, ये फ्री आप निकाल सकते हैं। 32 कंट्री के बीच में एग्रीमेंट है। अभी रशिया ने ये एग्रीमेंट तोड़ दिया। किसने एग्रीमेंट तोड़ दिया था? रशिया ने ये एग्रीमेंट तोड़ दिया था। तो इसकी वजह से अमेरिका ने बाहर होने को कहा है। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या आंसर हो जाएगा भाई मेरे? इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। और एक इंपॉर्टेंट चीज बता दें, रशिया ने तोड़ा क्योंकि अभी कुछ बीच में ऐसे कुछ ऑपरेशंस हुए थे जिसमें रशिया ने मना कर दिया कि हमारे यहां से जहाज आप नहीं ले जा सकते हवाई क्षेत्र में। तो इन्होंने क्या किया कि रशिया ने ब्रेक किया, इसकी वजह से अमेरिका नाराज हो गया और उसने इस एग्रीमेंट को ही तोड़ दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। उन्होंने इस एग्रीमेंट को ब्रेक कर दिया है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं फटाफट। भारत के स्वास्थ्य एवं, कुछ एरर आ रही है भाई आज बार बार, एक सेकंड रुक जाओ, जरा देख लूँ मैं, एक बार चेक कर लूँ। भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 22 मई 2020 को WHO के कार्यकारी बोर्ड के किस सत्र की अध्यक्षता की? इंडियाज हेल्थ मिनिस्टर, इंडियाज हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन चेयर्ड विच सेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द WHO ऑन 22 मार्च 2020? 22 मार्च 2020 को किस सेशन का उद्घाटन किया है, ये आप बता दीजिए। जल्दी से आंसर दो बेटा इसका, फटाफट आंसर देना शुरू करो। ठीक है, 18 और 19 मई 2020 को यह सम्मेलन हुआ था, 18 और 19 मई 2020 को यह सम्मेलन किया गया था। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट आंसर, ईशानी, रे, ब्रजेश, दीपक, फटाफट सभी लोग आंसर दो, इतने सारे लोग जुड़े हो, सेशन को लाइक और शेयर करते चलो। ठीक है भाई, सेशन को लाइक और शेयर करते रहो भैया, जल्दी जल्दी आप टेंशन मत लीजिए, अभी मैं स्पीड बढ़ा दूंगा, बहुत तेज क्वेश्चन करा दूंगा, पहले थोड़ी चीजें समझ लीजिए फिर स्पीड हम बढ़ाते हैं। ठीक है, और इसका एजेंडा जो था वो क्या था? कोविड-19 से कैसे बचा जाए, कोविड-19 से कैसे बचा जाए, ये इसका एजेंडा था, मेन थीम इसकी कोविड-19 थी। 18 से 19 मई 2020 की हुई, और इसके किस सत्र का आयोजन किया गया है, देखिए आंसर लगा हुआ, 147वें सत्र का आयोजन हुआ है, 147 सत्र का इसका आयोजन किया गया है, क्लियर एवरीवन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जून 2020 में जारी की गई यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग, यानी कि द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में भारतीय संस्थानों में से किसने उच्च स्थान प्राप्त किया है? द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिलीज बाई द टाइम्स हायर एजुकेशन इन जून 2020 रैंक्ड हाइएस्ट एमंग द इंडियन इंस्टीट्यूट इन 2020। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, JNU, इसका मतलब JNU की बात कर रहा है, IIT रोपड़, IIT कानपुर, IIT गुवाहाटी, किसने किया, जल्दी जल्दी बताओ आंसर भैया फटाफट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, करीब आज कोशिश मेरी है कि 60 से 70 क्वेश्चन आप लोगों को करा दूँ किसी भी तरीके से। ठीक है भाई, तो जल्दी से इसका आंसर देना शुरू कर दो भाई। तो इसका आंसर जो है भाई वो है IIT रोपड़। क्या है इसका भाई आंसर? IIT रोपड़ इसका आंसर है। एक सेकेंड इसको हटा दो भाई मेरे, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो इसका आंसर है वो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, IIT रोपड़ इसका आंसर है। IIT रोपड़ 62 रैंक मिली है, कितनी? ठीक है, IIT रोपड़ है 62 रैंक मिली है। कौन सी रैंक मिली भाई मेरे? 62 रैंक मिली है, और इसी में 64 रैंक पर जो है वो IIT इंदौर है। कौन कौन सी है? ध्यान रखना, IIT इंदौर। तो भारत के सिर्फ दो ही ऑर्गेनाइजेशन मिले हैं, टोटल 400
14 ऑर्गेनाइजेशन का, 414 यूनिवर्सिटी का सर्वे किया गया है। 414 यूनिवर्सिटी लिस्ट में डाली गई है, जिसमें भारत की सिर्फ दो यूनिवर्सिटी, एक आईआईटी रोपड़ है, एक आईआईटी आपकी इंदौर है। तो आईआईटी रोपड़ को 62वां स्थान मिला है, आईआईटी इंदौर को जो मिला है वो 64th स्थान मिला है। कौन सा मिला है? 64th स्थान मिला है। और नंबर वन पे अगर इसमें पूछा जाए कि इस लिस्ट में, अगर इस लिस्ट की बात करें द टाइम्स हायर एजुकेशन 2020 इस लिस्ट की बात करें, तो सबसे टॉप पर कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो सबसे टॉप पर जो लिस्ट यूनिवर्सिटी है वो साइंस एंड टेक यूनिवर्सिटी है। कहाँ की? हांगकॉन्ग की। हांगकॉन्ग की साइंस एंड टेक यूनिवर्सिटी को इसमें टॉप स्थान मिला है। ठीक है, क्लियर एवरीवन? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जून 2020 में जारी स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 वर्षों में सर्वाधिक लापता होने वाली महिलाओं की संख्या के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है कि चौथा स्थान है? अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन सेल इन जून 2020, विच प्लेस इन इंडिया बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मिसिंग वुमेन इन द लास्ट 50 ईयर, पिछले 50 साल में सबसे ज़्यादा महिलाएं जिन देशों में गायब हुई हैं उसमें भारत का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है या चौथा स्थान है? बताओ भाई जल्दी से आंसर देना शुरू करो। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें भारत का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। नंबर वन पे आता है चाइना। नंबर वन पे क्या आता है? चाइना। चाइना से पिछले 50 सालों में 7.23 करोड़ महिलाएं जो है वो लापता हुई हैं, यानी कि या तो उनकी ट्रैफिकिंग हुई या वो गायब हुई हैं। और सेकंड नंबर पर इंडिया आता है। सेकंड नंबर पर कौन आता है? इंडिया आता है। इंडिया में पिछले 50 सालों में 4.85 करोड़ जो है वो महिलाएं जो है वो लापता हुई हैं, या तो ट्रैफिकिंग हुई है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई है, या वो किसी ना किसी रीजन से घर से गायब हुई हैं। ठीक है, तो ये एक डाटा जो है वो संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन डिपार्टमेंट ने दिया है। क्लियर? तो भारत का दूसरा स्थान है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नहीं नहीं तीसरा नहीं है भाई, भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है, दूसरा स्थान है भारत का इसमें। क्लियर एवरीवन? तो यहीं पर एक चीज और बता देते हैं, भारत में महिला मृत्यु दर कितनी है? भारत में जो महिला मृत्यु दर है वो है 1000 पर 13.5, यानी 1000 पर 13.5 जो है वो भारत में महिला मृत्यु दर चल रही है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। आप सब इतने सारे लोग जुड़े हो, जल्दी जल्दी सेशन को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। 26 जून 2020 को संपन्न 36वें आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की थी? एशियान की फुल फॉर्म बता दें, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है उनकी एक एसोसिएशन है, 10 कंट्री इसमें है। कितने कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं? 10 कंट्री करते हैं। म्यांमार है, थाईलैंड है आपका, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनेई, ये सारे कंट्री मिलाकर के एशियान का ग्रुप बनाते हैं। ये साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री, ये इंडिया है, फिर ये नीचे ये देखिए यहाँ पर ये साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री आ जाते हैं, और यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा एक सिस्टम है। तो कहाँ पर बैठक हुई जल्दी से बताओ? तो ईशानी ने बताया है वियतनाम। वेरी गुड ईशानी, आप लगातार आंसर दे रहे हो, सभी लोग मिलकर आंसर दो, राजा, ईशानी, रे सत्या, सभी लोग आंसर दिया करो। ठीक है, जल्दी से बताओ। सचिन, कहां पर हुई है बैठक? फटाफट बताना शुरू करो आंसर। तो एशियान का मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया है, क्या है एशियान का? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इसकी जो बैठक हुई है वो डी इसमें वियतनाम में हुई है। कहां पर हुई है इसकी बैठक? वियतनाम में हुई है। वियतनाम की कैपिटल नोम पेन है, आप सभी को पता होगा। वियतनाम की कैपिटल जो है हनोई है। क्या है? हनोई। तो हनोई में ये बैठक हुई है, अभी हनोई में बैठी हुई है 26 जून को। कब हुई है भाई? 26 जून को हनोई में एशियान की ये बैठक हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुई है, ध्यान रखिएगा, वीसी के थ्रू इसकी बैठक हुई है। ठीक है, और 2020 में एकजुटता पे बात की गई है। किस चीज पे बात की गई है? कि आप सभी इंटीग्रेटेड रहिए, मिलकर रहिए। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी जल्दी से। ठीक है, शशि किरण ने डी आंसर दिया, तो जितने लोगों ने डी आंसर दिया हुआ है, ठीक है, राजकुमार जी ने भी डी आंसर दिया हुआ है, तो जितने लोगों ने डी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतत विकास सूचकांक में भारत को 117वां स्थान प्राप्त हुआ है। इंडिया वॉज रैंक्ड 170th इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स आया, उसमें भारत को 117वीं रैंक मिली है। सतत विकास सूचकांक की अगर बात करें तो 2020 में स्वीडन को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आपको बताना है केवल पहला सही है, केवल दूसरा, कि दोनों सही है, ना तो पहला ना तो दूसरा, कौन सा सही है? फटाफट आंसर बताओ। कंबोडिया की कैपिटल नोम पेन है, बिल्कुल कंबोडिया की कैपिटल नोम पेन है। वियतनाम की कैपिटल हनोई है। ठीक है, चलो बताना शुरू करो जल्दी से, आंसर देना शुरू करो फटाफट।
पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही हैं, या कोई भी नहीं सही है इसमें से? ठीक है, इस रिपोर्ट को तैयार करता है सतत विकास। सतत विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास समाधान नेटवर्क, समाधान नेटवर्क ये इस रिपोर्ट को तैयार करता है। ठीक है, सतत विकास समाधान नेटवर्क जो है वो इस रिकॉर्ड, दोनों ही सही हैं गुरुदेव। ठीक है भाई, तो भूमियार सचिन राज ने कहा है कि दोनों ही सही हैं, वेरी गुड। और बताओ भाई, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का, इसके दोनों ही सही हैं। पहला भी सही है, सतत विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है, 117वां स्थान मिला है, और सतत विकास 2020 में स्वीडन को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। किसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है? स्वीडन को। और इसमें 193 कंट्री की रिपोर्ट बनाई गई थी। कितने कंट्री की रिपोर्ट बनाई गई थी? 193 कंट्री की रिपोर्ट बनाई गई थी, और इसकी रैंकिंग जो होती है वो 0 से 100 के बीच में होती है, और भारत को जो नंबर मिले हैं वो 61.93 मिले हैं। भारत को नंबर कितने मिले हैं? 61.93 जो है वो इंडिया को नंबर मिले हैं। ठीक है, तो बी इज करेक्ट नहीं है, इसका सी करेक्ट है। इसके जितने लोगों ने सी आंसर दिया, इसके दोनों आंसर सही है मेरे भाई। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी जल्दी से। चलो, रोज क्रिश्चियन ओसुसा रोपांडा को जुलाई 2020 में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? रोज क्रिश्चियन ओसुका रापोंडा को जुलाई 2020 में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इंग्लिश में बता देते हैं, रोज क्रिश्चना ओसोका रोपांडा वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन विच कंट्री इन जुलाई 2020। जल्दी जल्दी आंसर देना शुरू करो भाई, फटाफट। इतने सारे लोग जुड़े हो सेशन को, लाइक और शेयर करते रहो मेरे भाई। ठीक है, लाइक और शेयर, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो सेशन को। ठीक है, चलो भाई जल्दी जल्दी आंसर देना शुरू करो इसका। तो इसका आंसर आप लोग दे रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी, गैबन की हुई है। कहाँ की हुई है? गैबन की। ये सब अफ्रीका के कंट्री हैं, गैबन, घाना, युगांडा, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, मलावी, और जितने ये सारे कंट्री हैं, घाना, चाड, घाना, माली, बर्कना फासो, ये गैबन, इक्वेटोरियल गिनी, मतलब ये जितने कंट्रीज हैं ये सब आपके अफ्रीका के कंट्री हैं। तो गैबन एक देश है, वहाँ पर गैबन देश की जो है वो प्रधानमंत्री रोज क्रिश्चियन ओसुका रोपांडा को नियुक्त किया गया है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दें, ये 16 जुलाई 2020 को प्राइम मिनिस्टर बनी, 16 जुलाई 2020 को इस देश की ये क्या नाम है, प्रधानमंत्री बने हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता दें कि जूलियन निकोल का स्थान ये लेंगी, इससे पहले जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे वो जूलियन निकोल थे। तो गैबन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। जुलाई 2020 में विश्व बैंक द्वारा जारी आय स्तर के आधार पर देशों का वर्गीकरण 2020-21 में भारत को किस वर्ग में रखा गया है? इन विच क्लास इज इंडिया प्लेस इन क्लासिफिकेशन ऑफ द कंट्रीज ऑन बेसिस ऑफ द नॉमिनल ऑफ इनकम लेवल 2020-21 रिस्पेक्टिव बाय द वर्ल्ड बैंक इन 2020। अब भारत को किसमें रखा गया है? निम्न आय वर्ग यानी कि लो इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप, या उच्च आय वर्ग हाई इनकम ग्रुप, निम्न मध्यम यानी कि लो मीडियम इनकम ग्रुप, या उच्च मध्यम या हाई मीडियम इनकम ग्रुप, किस पे रखा गया? जल्दी से आंसर देना शुरू करो। महेंद्र सैनी वेरी गुड मॉर्निंग, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। इतने सारे लोग जुड़े, जोड़ो यार ज्यादा से ज्यादा लोगों को भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आप लोगों के लिए। ठीक है, लगातार करेंगे, लगातार चलेगा, 60 से 70 क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। 1 से 1.5 महीने में आपका पूरा करंट अफेयर खत्म होगा। रोज शाम को बस मेरे साथ जुड़े रहिए 5 बजे, और सुबह 8 बजे 8 AM पे मैं करंट अफेयर कराता हूँ, उसमें जुड़े रहिए आप मेरे साथ। ठीक है, वेरी गुड। इस टाइम नेपाल भी निमन मीडिया ग्रुप में आया है। ओके, ठीक है, चलो बताओ भाई भारत को किस में रखा गया, किस ग्रुप में रखा गया है? तो मैं आपको बता दूं, भारत को जो रखा गया निम्न मध्यम आय वर्ग में रखा गया। किस में? लो मीडियम, एक सेकेंड यार। ठीक है, तो भारत को किस में रखा गया है? इसका आंसर बी सही हो जाएगा। आपको मैं बता दूं, इसका बी आंसर सही है, बी आंसर इसका सही हो जाए, सॉरी सी आंसर सही है इसका, बिल्कुल सही है, सी आंसर, सी आंसर सही है इसका। निम्न मध्यम आय वर्ग में रखा जाएगा, लो मीडियम इनकम ग्रुप में रखा जाएगा। किसमें रखा जाएगा मेरे भाई? लो मीडियम इनकम ग्रुप में रखा जाएगा। क्लियर एवरीवन? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। हाँ भाई,
कुछ चीज़ें अगर कहिए तो आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा आप जल्दी कह रहे हो इस वजह से मैं बढ़ा रहा हूं, लेकिन कुछ चीज़ें आप इसमें जान लीजिए, बहुत ज़रूरी है कि देखो निम्न आय वर्ग जो होता है, निम्न आय वर्ग का मतलब ये है कि $1,036 से कम, साल की इनकम कितनी हो $1,036 से कम हो। उच्च आय वर्ग में अगर हम उच्च आय वर्ग की बात करते हैं तो $12,535 से अधिक इनकम है अगर, तो उच्च आय वर्ग में आएगा, ठीक है। और निम्न मध्यम आय वर्ग की बात करें तो 4,000 से 12, इसमें 4,000 से लेकर के 12,000 तक के बीच की संख्या आती है। और निम्न मध्यम आय वर्ग में 1036 से 40-45 तक आता है। खैर इतना डाटा आपसे नहीं पूछेगा, आप ये याद रखिए कि भारत को किसमें रखा गया, तो भारत को निम्न मध्यम आय वर्ग में रखा गया, किसमें रखा गया है, हाँ निम्न मध्यम आय वर्ग में रखा गया, क्लियर एवरीवन। और निम्न मध्यम आय वर्ग में फिर देखो 28 कंट्री आते हैं, ये मतलब टोटल एक पूरा सिस्टम है जिसमें इनको वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से। किस देश में जुलाई 2020 में भूस्खलन के कारण 162 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस साल का अगर हम बात करें, 2020 की बात करें अगर, तो ये सबसे बड़ा भूकंप माना जाता है। ये कहाँ पर आया था, मलेशिया में, वियतनाम में, म्यांमार में या थाईलैंड में, कहाँ पर आया था जल्दी से बता दो। अच्छा कल एग्जाम है भाई, तो बस करते रहो साथ में यार, चिंता मत करो। देखो 6 महीने का करंट अफेयर तो आपको तैयार करना है, अगर आपका कल एग्जाम है बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। जिनका कल एग्जामिनेशन है या आज एग्जामिनेशन है या 13 को एग्जामिनेशन है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मन लगा के पढ़ो, सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है मेरे भाई। चलो आंसर देना शुरू करो भाई। ठीक है, वेरी गुड। ये भूकंप आया था 2 जुलाई 2020 को, ठीक है, 2 जुलाई 2020 को ये भूकंप आया था। और कहां पे आया था, म्यांमार में आया था। इसका आंसर सी हो जाएगा, कहां पर ये आंसर आया था, ठीक है, म्यांमार में ये भूकंप आया था। म्यांमार में एक क्या नाम है आपका राज्य है, काचिन राज्य, काचिन स्टेट है, कौन सा है, काचिन स्टेट है। काचिन स्टेट में ये भूकंप आया था, कोयले की खादान में, वहां की कोयले की खादान में जो लोग काम कर रहे थे, बड़ा बहुत बड़ा भूकंप आया था और 162 लोग उसमें जो थे वो क्या हो गए थे, डाइड हो गए थे, क्लियर एवरीवन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। छठवीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की जुलाई 2020 में संपन्न बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द मीटिंग ऑफ द 6th ब्रिक्स एनवायरमेंटल मिनिस्टर हेल्ड इन जुलाई 2020। ब्रिक्स का फुल फॉर्म आप सबको पता है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स का फुल फॉर्म है। और ये पूछा जा रहा है कि हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द मीटिंग ऑफ 6 ब्रिक्स एनवायरमेंटल मिनिस्टर, हर्षवर्धन जी ने, प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र मोदी या अमित शाह, किसने किया था भाई, जल्दी जल्दी बताना शुरू करो आंसर। हाँ भाई, हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र मोदी या अमित शाह, किसने ये शुरू किया है बताओ भाई जल्दी से, फटाफट आंसर देना शुरू करो भाई, क्या हो जाएगा। अच्छा प्रकाश अंकल बिल्कुल सही आंसर है, प्रकाश अंकल बिल्कुल सही आंसर। कौन बोला है प्रकाश अंकल, देखे तुम लोग भी बड़े मजे लेते हो भाई यार, वेरी गुड। प्रकाश अंकल बिल्कुल, प्रकाश अंकल नहीं है भाई, प्रकाश जावड़ेकर ने की है। किसने किया है, प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। ये 30 जुलाई को हुई थी, कब हुई थी, 30 जुलाई 2020 को हुई थी, रशिया में हुई थी। इसका, इसको जो हेड कर रहा था वो कौन कर रहा था, रशिया कर रहा था, इसको हेडेड बाई रशिया था, रशिया इसको हेड कर रहा था। और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दें, हाँ भाई मिल गया हमें भाई, सैनी जी ने कहा है प्रकाश अंकल, ठीक है। तो ये जो है रशिया में, रशिया इसको हेड कर रहा था और ब्राजील, रशिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई है ये जो पूरी मीटिंग हुई है, किसके माध्यम से हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई है। और इसमें बेसिकली जो थीम रखा गया है वो इन्वायरमेंट ही रखा गया, यानी कि इन्वायरमेंट को कैसे बताया जाए, ग्रीन हाउस गैसेस के इफेक्ट कैसे कम किया जाए, किस तरीके से इन सारी चीज़ों को, इन प्रॉब्लम्स को दूर किया जाए, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा रखा गया है, ठीक है। शर्मा जी गुड मॉर्निंग, लेकिन भाई सेशन सुबह 7 बजे शुरू हो चुका है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं जल्दी से। ये डाटाबेस क्वेश्चन, डाटाबेस कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे जरूर। जुलाई 2020 में वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020 के अनुसार भारत में वर्ष 2005-06 से लेकर 2015-16 के मध्य
बहुआयामी गरीब व्यक्तियों की संख्या में कितनी कमी हुई है। बहुआयामी गरीब होता, मल्टी डायमेंशनल पुअर व्यक्ति वो होता है जो खाने में भी अपना काम नहीं चला पा रहा है, कपड़े पहनने में भी नहीं चला पा रहा है, घर घर से रिलेटेड, यानी कि एक आदमी की जो मूलभूत जरूरतें हैं वो सभी पूरी नहीं कर पा रहा है, ऐसी गरीबी को ये मल्टी डायमेंशनल गरीबी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी इंडेक्स 2020 रिलीज इन जुलाई 2020, व्हाट वॉज द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ द मल्टी डायमेंशनल पुअर पीपुल इन इंडिया बिटवीन द 2005-6 टू 2015-16। बताओ भाई क्या आंसर होगा। 100% पीडीएफ मिलेगा मेरे भाई को, तो भैया कसम खा लें पीडीएफ मिलेगा, जरूर मिलेगा। बिल्कुल दम मचा दिया तुम लोगों ने पीडीएफ के लिए, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसीलिए करा ही रहा हूँ कि पीडीएफ मिले। एग्जाम के टाइम में एक बार पीडीएफ देख के चले जाना बस मेरे भाई, ठीक है। तो 100% आपको पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कितने पुअर मल्टी डायमेंशनल, उससे गरीबी से क्या है, जो बहुआयामी गरीबी है उससे बाहर निकल चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं 273 मिलियन। कितने भाई? 273 मिलियन लोग जो है वो बहुआयामी गरीबी से क्या हो चुके हैं, बाहर हो चुके हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो रिपोर्ट है वो जारी कौन करता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, आपने सुना होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का गरीबी पर यानी पॉवर्टी पर जो अध्ययन करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है वो ये रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। डाटा याद नहीं रहता, कोई तरीका बताइए। डाटा याद रखने का सिर्फ एक तरीका है, टू डेवलप द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट डेवलप करो बेटा, क्या डेवलप करो? इंटरेस्ट डेवलप करो। जब तक इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा तब तक डेटा याद नहीं होगा, हमेशा याद रखना। जब आप पढ़ रहे हैं आपको मजा आना चाहिए। अगर आप मेरे साथ क्लास कर रहे हैं, इतने सारे जैसे इस समय 118 120 लोग जुड़े हुए हैं, तो ये जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अगर आपको इस क्लास में मजा नहीं आएगा तो आपको याद नहीं होगा। आप कोई चीज़ पढ़ाई कर रहे हो उसमें मजा नहीं आएगा। देखो टीचर और किताबें, मैंने भी करीब 10-15 किताबें पढ़ी हैं, 10-15 वेबसाइट निकाली हैं, उन सब में से क्वेश्चन निकाल के मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। किताबें और टीचर में सिर्फ एक अंतर होता है, किताब में भी वही लिखा होता है जो टीचर बताता है, लेकिन किताब और टीचर में सिर्फ एक अंतर होता है कि किताबें बोल नहीं सकती हैं, टीचर बोल के उसको एक्सप्रेस कर सकता है, इसलिए आपको टीचर्स की जरूरत होती है। तो भाई देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आप लोग बस दो चीज़ ध्यान रखो कि सुबह 8 AM पर मेरा सेशन होता है करंट अफेयर का, ठीक है, इसमें मेरे साथ जुड़े रहो, और शाम को 5 PM पर मैं 6 मंथ का करंट अफेयर करा रहा हूँ उसमें जुड़े रहो। आप इतना मेरे साथ जुड़े रहो, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि कोई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं पड़ेगा जो आपके सर से बाउंस हो जाएगी, भैया इसके बारे में सुना नहीं है या पढ़ा नहीं है। और देखो गेस भी तभी लगता है एग्जामिनेशन में, कहते हो भाई अंधी मार दी मैंने, ये देखो इस क्वेश्चन पे सी पे अंधी मार दी या इस पे गैस लगा दिया मैंने। गैस भी तभी सही लगता है जब आपने कभी ना कभी पढ़ा हो, तो ध्यान रखिए कभी ना कभी पढ़ना जरूर है, ठीक है। हम तो तुक्का मारते हैं, बिल्कुल तुक्का मारो, लेकिन तुक्का भी तीर तब बनेगा ना जब आप कभी ना कभी पढ़े हुए होंगे, तभी तुक्का सही लगता है, ठीक है भाई। ओके भाई, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से। जुलाई 2020 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का नाम सुनने वो सुना होगा, नाबार्ड ने किस राज्य में अम्फान द्वारा चक्रवर्ती तूफान जो आया था क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे में पुनर्निर्माण हेतु 795 करोड़ रुपए आवंटित किए। देखो क्वेश्चन में जो लिखा हुआ 795, हो सकता है डायरेक्ट पूछ ले कि कितने करोड़ रुपए इसमें भेजा गया है, ठीक है। 11 नहीं बजेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, 60 क्वेश्चन आपके 9 बजे तक खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ठीक है, हाँ सैटरडे को 8 बजे क्लास नहीं हुई थी क्योंकि संडे को आज मैं लेकर के आ रहा, तो कल कई चीज़ें थी आपकी क्लास, लेकिन रेगुलर हो गया, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। हाँ मैं आपको क्या बता रहा था भाई, अच्छा सब लोग कह रहे थोड़ा जल्दी कराओ, अरे भाई मेरे जल्दी का काम शैतान का होता है, हमेशा ध्यान रखो जल्दी में आपका एक्सीडेंट ही होता है। आप मुझे मेरे हिसाब से कराने दो, आप टेंशन मत लो, ठीक है। देखो एक चीज़ याद रखो, डॉक्टर वकील और टीचर ये जिस हिसाब से बताएं उसी हिसाब से काम करिए। डॉक्टर जितनी दवा बताए उतनी दवा लीजिए, वकील जितना बोलने को कहे उतना बोले, टीचर जितना आपको पढ़ाए जिस हिसाब से पढ़ाए उसको पढ़ाने दीजिए। अगर आप इन्हें डिस्टर्ब करोगे तो हमेशा नुकसान में रहोगे। आप मुझे करा दो, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको 60 क्वेश्चन से कम नहीं कराऊंगा, 9 बजे तक 60 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होंगे, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक। चलो बताओ भाई, इन जुलाई 2020 द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट अलॉटेड द 9795 करोड़ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज द साइक्लोन अम्फान इन विच स्टेट। बताओ भाई आंसर देना शुरू करो जल्दी से, अम्फान कहाँ पे तूफान आया था, फटाफट आंसर बताना शुरू करो, ठीक है। पश्चिम बंगाल में जो तूफान आया था, कहाँ पर तूफान आया था, अम्फान तूफान जो है, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो भाई सनी जी जल्दी जल्दी करा देंगे, टेंशन नहीं लो, ठीक है। हाँ ठीक है,
तो ये जो तूफान आया था आपको मैं बता दूं कि यहां पे कहां पर आया था, पश्चिम बंगाल में भी आया था, बाद में उड़ीसा के तट से भी टकराया था, ठीक है। पहले पश्चिम बंगाल से टकराया था और उड़ीसा के तट से भी बाद में टकराया था, ठीक है भाई। तो पश्चिम बंगाल इसका है, तो नाबार्ड द्वारा 795 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और हमेशा याद रखना कि नाबार्ड जो है, नाबार्ड एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ रीफाइनेंसिंग करता है। क्या करता है? रीफाइनेंसिंग करता है। अब देखो रीफाइनेंसिंग क्या, देखो ये सब चीज़ें नहीं जानोगे तो छूट जाएगा। मुझे क्या, मैं भी पढ़ाऊँ भैया, ये देखो ये है इसका आंसर, ये आगे बढ़ जाओ। ऐसे पढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा यार, इससे कोई फ़ायदा हो तो आप बताओ, ठीक है। चलो, तो पश्चिम बंगाल में ये तूफान आया है और नाबार्ड ने इसके लिए कितनी कितना दिया गया भाई, नाबार्ड ने इसके लिए 795 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि रीफाइनेंस करता है नाबार्ड। रीफाइनेंस क्या होता है? फाइनेंस के ऊपर फाइनेंस, यानी पहले कोई बैंक फाइनेंस कर देगा, फिर उस पर्टिकुलर बैंक को नाबार्ड फाइनेंस करेगा, इसी को रीफाइनेंसिंग कहते हैं, ठीक है। हाँ, एक काम आप कर सकते हो कि देखो आप एक चैनल सर्च करते हो, कर सकते हो आप, वहां भी आपको मिल जाएगा करंट अफेयर, करंट अफेयर बाई अभिषेक सर, अड्डा 24x7, अड्डा 247, ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। और यहां पर आपको पीडीएफ तुरंत मिल जाएगी 2 मिनट के अंदर, फिर यहां भी मिल जाएगी और उस जगह भी मिलेगी, ठीक है। ठीक है, चलो तो आप यहां से ले सकते हैं, ठीक है। फुल फॉर्म ढूंढ लीजिएगा, करंट अफेयर भाई अभिषेक गुप्ता भाई अड्डा 247, यहां पर आप टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हो, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ जल्दी। जुलाई 2020 में जारी वैश्विक कौशल सूचकांक 2020 में वैश्विक स्तर पर बिजनेस डोमेन में भारत का कौन सा स्थान है? इंडिया इज रैंक्ड इन द बिजनेस डोमेन ग्लोबली इन 2020 द ग्लोबल स्किल इंडेक्स रिलीज इन 2020। इसमें भारत, इसमें कौन सा स्थान है, जल्दी बताओ। ठीक है भाई, ठीक है, कोशिश करूंगा। शशि किरण जी कह रहे हैं कि इंग्लिश में भी ऑप्शन लिख दो, फिर ठीक है भाई करवा देंगे। चलो जल्दी करते जाओ। जुलाई 2020 में जारी वैश्विक कौशल सूचकांक 2020 में वैश्विक स्तर पर बिजनेस डोमेन में भारत का कौन सा स्थान रहा है? इंडिया इज रैंक इन द बिजनेस डोमेन ग्लोबली इन 2020 द ग्लोबल स्किल इंडेक्स रिलीज इन 2020। जल्दी से बताओ भाई कौन सा स्थान रहा है। तो अब मैं आपको बता दूं जो स्थान रहा है वो आपका, इसका आंसर हो जाएगा भाई जो है स्थान वो कौन सा है, डी आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा भाई, इसका आंसर डी हो जाएगा, 34वां स्थान है। कौन सा स्थान है भाई, 34th स्थान है, क्लियर एवरीवन, 34वां स्थान है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते जल्दी। भारत की कौन सी ऊर्जा कंपनी जुलाई 2020 में एसॉन मोबिल को पीछे पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी बन गई है? विच इंडियन एनर्जी कंपनी बिकम सेकेंड लार्जेस्ट एनर्जी कंपनी इन द वर्ल्ड इन जुलाई 2020 बीटिंग द एसन मोबाइल? बताओ भाई, टाटा स्टील, भारत पेट्रोलियम, अरमको या रिलायंस इंडस्ट्रीज, बताओ भाई कौन है? चलो भाई, अच्छा 20 का डी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अरे जबरदस्त। ईशानी के भाई मैक्सिमम आंसर सही हो रहे हैं, और बताओ भाई कोई, बिल्कुल सही आंसर दिया है, डी आंसर एकदम सही है इसका, रिलायंस इंडस्ट्रीज है। कौन सी इंडस्ट्रीज है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जो है, और विश्व की सबसे बड़ी जो ऊर्जा कंपनी है वो कौन सी है, अमरेको है, अरोमको, ये कहाँ की है, सऊदी अरब की है। कहाँ की भाई मेरे भाई, सऊदी अरब की है। तो सेकंड नंबर पर सऊदी अरब की ये कंपनी होगी, कौन सी, अरोमको, और फर्स्ट नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज आ गई है, सेकंड नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज आ गई, ये नंबर वन पे है, ये नंबर टू पे है, और थर्ड नंबर पर एसॉन मोबिल है। तो ये जो कंट्रीज है वो टॉप पर है, क्लियर एवरीवन। आपको पूछे कि इसमें फर्स्ट नंबर वन पे कौन आता है, तो अरोमको सऊदी अरब की कंपनी आती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ भाई। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन नए वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 23 जून 2020 को जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे गरीब देशों में कितने प्रतिशत ने कोविड-19 महामारी के दौरान वंचित विद्यार्थियों की विशिष्ट सहायता नहीं प्रदान की है? देखो इंग्लिश लगाना भूल गया इसकी मैं, बताओ भाई। हाँ इंग्लिश ऑप्शन छूट गया इसका भाई,
ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो संयुक्त राष्ट्र की शैक्षिक और वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन है यूनेस्को, यानी यूनेस्को ने जो नए यूनेस्को ने क्या किया है, नए वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 23 जून 2020 को डाटा जारी किया है। इसके हिसाब से कि कई गरीब देश हैं जिनको सहायता नहीं प्रदान की गई है, तो कितने गरीब देश ऐसे हैं, करीब 40% गरीब देश ऐसे हैं जिनको सहायता नहीं मिली है। कितने प्रतिशत गरीब देश ऐसे हैं, करीब 40% गरीब देश ऐसे हैं जिनको की सहायता नहीं मिली है। ठीक है, बाकी बहुत डिटेल है लेकिन बहुत ज़्यादा आपको नहीं इसमें डिटेल की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई जल्दी से। स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक स्विस नेशनल बैंक, स्विट्जरलैंड का केंद्रीय बैंक कौन सा है, स्विस नेशनल बैंक द्वारा जारी वार्षिक बैंकिंग आंकड़ों के अनुसार स्विट्जरलैंड के बैंकों में वर्ष 2019 के अंत तक भारतीय नागरिकों तथा कंपनियों द्वारा जमा धन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है। यानी कि स्विस बैंक का आपने नाम सुना होगा, स्विस बैंक में सबसे ज्यादा जो होता है, हाँ स्विस बैंक का जो होता है सबसे ज्यादा, स्विस बैंक में क्या होता है जो पैसा जमा होता है उसमें भारत का नंबर कौन सा है। अकॉर्डिंग टू द एनुअल बैंकिंग डेटा रिलीज्ड बाय द स्विस बैंक नेशनल बैंक, द सेंट्रल बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड इन जून 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज पोजिशन इन द बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड टर्म्स ऑफ डिपॉजिट ऑफ इंडियन सिटीजन एंड कंपनीज बाय द एंड ऑफ 2019। चलो आंसर दो भाई जल्दी से, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा। बताओ भाई क्या आंसर हो जाएगा इसका, जो रैंक है वो 77th है। कौन सी रैंक है मेरे भाई, 77th रैंक है, ध्यान रखिएगा। जो ये जो रैंक है वो 77वीं रैंक है, इसमें कौन सी रैंक है भाई, 77वीं रैंक है। ठीक है, टॉप पे कौन सा देश है ये पूछेगा भैया, इस रैंकिंग में टॉप पे कौन सा देश है, तो ब्रिटेन है। कौन सा देश टॉप पर है, ब्रिटेन है, और सेकंड नंबर पर यूएसए है। देखो सब स्विस बैंक में पैसा जमा करते हैं, चोरी का जितना पैसा है, जितनी ब्लैक मनी है वो सब स्विस बैंक में जाती है, जितनी भी ब्लैक मनी वो कहाँ जाती है भाई, सब स्विस बैंक में जाती है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, अरे भाई सेशन में अगर मजा आ रहा है तो शेयर और लाइक करते रहो भैया, इतने सारे लोग जुड़े हो, ज़्यादा जल्दी से एक लाइक का बटन दबा दो। ठीक है भाई, पहले ही आंसर इसका मिल गया तुम लोगों को, एक लाइक का बटन दबा दो और शेयर कर दो मेरे भाई। ठीक है, जल्दी से जल्दी सेशन को। ठीक, चलो अब बताओ भाई, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम एवं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की शीतलन ऊर्जा और नीति संश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में वैश्विक स्तर पर कितने शीतलन उपकरण हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कूलिंग इमल्शन एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट, हाउ मेनी कूलिंग डिवाइस आर करेंटली ऑन ग्लोबल स्केल। ठीक है, कूलिंग डिवाइस करेंटली ग्लोबल स्केल पर कितनी है, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, बताओ भाई, डी आंसर दे रहे हैं इसका। ठीक है भाई, इसका आंसर सी हो जाएगा, 3.6 बिलियन। क्या है भाई इसका आंसर, 3.6 बिलियन। देखो जो ग्लोबल वार्मिंग है और ये सारी चीज़ें हैं, इन सबसे बचने के लिए ये जो आपके कूलिंग डिवाइस इमेंशन सेंटर्स होते हैं इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो इस तरीके से पूरी चीज़ों को लगा करके बताया जा रहा है कि 3.6 बिलियन इस समय कूलिंग सेंटर्स डिवाइस अवेलेबल हैं। क्लियर एवरीवन? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ जल्दी से। FAO खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी वैश्विक वन संसाधन मूल्यांक FRA रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष औसतन कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में वृद्धि हो जाती है। भारत में औसतन प्रतिवर्ष कितने वन क्षेत्र में वृद्धि होती है। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020 रिपोर्ट रिलीज बाय द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट एरिया ग्रोथ इन इंडिया हैज बीन रिपोर्टेड ऑन एवरेज एवरी ईयर, 0.98%, 0.56%, 1.5% और 0.38%। ठीक है, बताओ भाई जल्दी से आंसर देना शुरू करो। हाँ भाई चलो आंसर देना शुरू करो। ओके, तो आंसर आना शुरू हो गया, 0.98%, यानी मैक्सिमम लोगों ने ए आंसर देना शुरू किया है। कौन सा आंसर देना शुरू किया भाई, ए आंसर देना शुरू किया। ठीक है भाई, देखते हैं क्या आंसर है। तो इसका आंसर तो भाई देखो डी है। क्या इसका आंसर, इसका आंसर डी है, 0.38%। क्या है भाई, 0.38% इसका आंसर होगा। और ये रिपोर्ट जो आई है वो 7 मई 2020 को आई थी। कब आई थी, 7 मई 2020 को ये रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित की गई थी। और सर्वाधिक विश्व की अगर बात करें
तो सर्वाधिक जो वन है वो कहाँ बढ़ रहे हैं? नंबर वन पे आता है आपका चाइना, कहीं लिख रहे हो तो नोट करते रहना। नंबर वन पे आता है चाइना, सेकंड नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया और थर्ड नंबर पर आता है इंडिया। थर्ड नंबर पर क्या आ जाता है? इंडिया। इन तीन देशों में टॉप देश ये बताए गए हैं जहां पर वनों का विस्तार हो रहा है, जहां पर वन जो है बढ़ रहे हैं। भारत में सबसे ज्यादा जो आपका वनों का क्षेत्रफल है वो एमपी में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन सब लोग बता लोगे, जल्दी से बताओ भाई। नेपाल सरकार द्वारा जारी किए गए मानचित्र में भारत के किस स्थान को नेपाल के हिस्से में 2020 में दिखाया गया है? विच प्लेस ऑफ इंडिया इज शोन इन द पार्ट ऑफ नेपाल इन मई 2020 इन द मैप रिलीज बाई द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल? कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा या उपर्युक्त सभी? बताओ भाई, जल्दी से आंसर देना शुरू करो। बताओ भाई, अभी नेपाल ने अपना नया मैप एक जारी किया था। ये जो नेपाल का मैप है कुछ इस तरीके का नेपाल का मैप है, पहले ऐसे हुआ करता था, अभी उसने ये कोना ऐसे बढ़ा दिया अपने मैप में। ये इस तरह का मैप, नया नेपाल का मैप आपका दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके का नेपाल का नया मैप है, तो बताओ कौन सा एरिया जोड़ दिया है? जल्दी से आंसर देना शुरू करो। तो डी इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल, कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा। मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका उत्तराखंड का एरिया है, ये जो उत्तराखंड का एरिया है कुछ इस तरह का उत्तराखंड का एरिया है, और यहाँ से फिर आपका यूपी शुरू हो जाता है, यूपी का बॉर्डर लग जाता है। ठीक है, तो उत्तराखंड के एरिया में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बीआरओ द्वारा, बीआरओ क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। इसने रोड बनाई है, कहाँ कहाँ से बनाई है? आपका ये क्या नाम है, लिपुलेख जो पास है, काला पानी से लेकर के लिपुलेख फिर लिम्पियाधुरा तक ये जो रोड बनी है, और यही रोड फिर आपकी चली जाएगी कहाँ? कैलाश मानसरोवर। कहाँ चली जाएगी? कैलाश मानसरोवर चली जाएगी। अभी कैलाश मानसरोवर जाने के लिए सिक्किम जाना पड़ता है, सिक्किम से घूम करके पूरा तिब्बत क्रॉस करते हुए कैलाश मानसरोवर पहुंचते हैं। लेकिन ये रोड बनने से, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ये रोड बनाई है, उसकी वजह से कैलाश मानसरोवर की यात्रा बहुत आसान हो गई है। इंपॉर्टेंट चीज बता दें, बड़ी स्ट्रेटजिक रोड है कि कभी चीन से लड़ाई होती है तो सीधे रसद पहुंचाई जा सकती है उत्तराखंड तक। क्लियर एवरीवन? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मई 2020 में कौन सा देश कुछ चीनी कंपनियों को अपने स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर बेचने को रोकने के लिए विधेयक पारित कर दिया है? विच कंट्री पास द बिल टू स्टॉप द सम चाइनीज कंपनीज फ्रॉम सेलिंग शेयर ऑन देयर स्टॉक एक्सचेंज इन मई 2020? अमेरिका, फ्रांस, भारत या इसराइल? किसने किया, जल्दी से बताओ, आंसर देना शुरू करो। अमेरिका, फ्रांस, भारत या इसराइल? एक मिनट भाई, मोबाइल गिर गया था, आपके कमेंट देख लें जरा एक बार भाई। हाँ ठीक है, तो ए आंसर दिया अमेरिका। ठीक है, ओके, वेरी गुड। ठीक है गाइज, तो मैक्सिमम लोगों ने इसमें जो दिया है वो ए आंसर दिया है। क्या आंसर दिया है? ए आंसर दिया, और बिल्कुल सही, अमेरिका जो है बिल्कुल सही आंसर है। अमेरिका ने मना कर दिया, क्योंकि अमेरिका जो है वो, मैं आपको बता दूं कि यूएसए जो है वो चाइना को जो है वो मानता है कि कोरोना वायरस इसी ने फैलाया, सबसे ज्यादा नुकसान का अमेरिका को झेलना पड़ा था। ठीक है, तो दैट इज द पॉइंट, इस वजह से उसने उसकी शेयर मार्केट और प्लस टिकटॉक को भी बैन कर दिया है पूरी तरह से। टिकटॉक को भी पूरी तरह से बैन कर दिया अमेरिका ने। ठीक है, चल भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या भारत ने हाल ही में किस देश में कपास निर्यात को बढ़ाने के लिए अपना कपास गोदाम स्थापित किया है? इंडिया हैज रिसेंटली सेट अप इट्स कॉटन गोडाउन टू प्रमोट कॉटन एक्सपोर्ट इन विच कंट्री? एक मिनट बस होल्ड कीजिएगा, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल एरर आ रही है, एक सेकंड बस। बताओ भाई, बांग्लादेश में, मालदीव में, वियतनाम में या फिलीपींस में? भारत ने किस देश में रिसेंटली कॉटन गोडाउन ओपन किया है? बताओ भाई, ठीक है, इंडिया हैज रिसेंटली सेट अप द कॉटन गोडाउन टू प्रमोट कॉटन एक्सपोर्ट इन विच कंट्री? किस देश में इसको, गोडाउन को ओपन किया है? ठीक है, बताओ भाई जल्दी से आंसर देना शुरू करो। वियतनाम में। कहां पर किया है? वियतनाम में किया है, ध्यान रखना इसका आंसर हो जाएगा वियतनाम। किस देश में किया भाई? वियतनाम में किया है। क्लियर एवरीवन? 7 जुलाई 2020 को, कब? 7 जुलाई 2020 को वियतनाम में भारत ने एक गोडाउन खोला है कॉटन के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, डोंट नो, यानी कि देखो
कॉटन क्या है, इंडिया में कॉटन का जो प्रोडक्शन होता है इसको ग्रोथ करने के लिए, इसमें बढ़ावा देने के लिए भारत ने वियतनाम में क्या किया है, गोडाउन बना दिया है, कॉटन गोडाउन बना दिया है जहां पर कॉटन इकट्ठा करके रखा जाएगा। ठीक है, चलो भाई जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कुछ तो सिस्टम में मेरे थोड़ी सी एरर आ रही है, 2 मिनट बस मुझे दे दो यार, थोड़ा सा सही कर लूँ मैं इसको। चलो, हाल ही में 300 वर्ष पुराने काली माता मंदिर का पुनर्निर्माण किस देश में भारतीय सहयोग से हुआ है? रिसेंटली इन विच कंट्री 300 ईयर ओल्ड काली माता टेम्पल वॉज रेनोवेटेड बाई द इंडियन गवर्नमेंट? ठीक है, मॉरिशस में है, बांग्लादेश में है, नेपाल में कि भूटान में, बताओ भाई। एक सेकेंड भाई होल्ड करना, बहुत ज़्यादा टेक्निकल एरर आ रही है। चलो बताओ भाई, जल्दी से आंसर देना शुरू करो। मॉरिशस में, बांग्लादेश में, नेपाल में या भूटान में, कहां पर किया गया है? क्लियर हो गया? ओके, वेरी गुड। अच्छा, कृष्णकांत पांडे आप भी हैं, वेरी गुड, जुड़े रहो, गुड, वेरी गुड मॉर्निंग। बांग्लादेश, बिल्कुल सही आंसर। जय काली कलकत्ते वाली। देखो, पश्चिम बंगाल में काली जी की सबसे ज्यादा पूजा होती है, देवी काली की पूजा सबसे ज्यादा कहां होती है? पश्चिम बंगाल में। तो बांग्लादेश में भी काली मंदिर के बड़े बड़े प्रमाण हैं, और बांग्लादेश की कैपिटल जो है वो ढाका, ढाका क्या नाम है बांग्लादेश कैपिटल का? ढाका। इसे मस्जिदों का शहर कहा जाता है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल जो बांग्लादेश का है, ढाकेश्वरी देवी का टेम्पल है। किसका है? ढाकेश्वरी देवी का टेम्पल भी बांग्लादेश में है। तो अभी जो सबसे बड़ा ये जो मंदिर है, क्या नाम है, बांग्लादेश में जो पुनर्निर्माण कराया गया है वो यहाँ पर कराया गया है। ठीक है, और किस जगह पर कराया गया? बांग्लादेश में नटोर डिस्ट्रिक्ट में। किस डिस्ट्रिक्ट में? नटोर डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश में, बांग्लादेश के नटोर डिस्ट्रिक्ट में ये कराया गया है। ठीक है, तो ये वहाँ के जो बांग्लादेश के जुनैद जुनैद जी हैं, राज्य मंत्री हैं वो, और भारत की तरफ से रीवा गांगुली, इन लोगों ने मिल करके लगाया है। तो 97 लाख टंका लगेगा, कितना? 97 लाख टंका लगेगा इसका निर्माण करने में, टका। वो यहाँ की टंका नहीं, टका, टंका तो इल्तुतमिश के टाइम चलती थी। ठीक है, तो टका जो है वो बांग्लादेश की मुद्रा है, तो 97 लाख टका लगेगा। और देखो, मुंह से टंका निकल गया, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि टंका और जीतल ये दो मुद्राएं जो है वो इल्तुतमिश ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी मेरे भाई? इल्तुतमिश ने शुरू की थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत सरकार द्वारा हाल ही में किस देश को 10 ब्रॉडगेज डीजल लोकोमोटिव इंजन सौंपे गए हैं? मालदीव, भूटान, नेपाल या बांग्लादेश? किसको सौंपे गए हैं, जल्दी से बताओ भाई। ठीक है, चलो आंसर देना शुरू करो, जल्दी जल्दी आंसर देना शुरू करो। भारत सरकार द्वारा हाल ही में किस देश को 10 ब्रॉडगेज डीजल लोकोमोटिव इंजन सौंपे गए हैं? मालदीव, भूटान, नेपाल या बांग्लादेश? किसे सौंपे गए जल्दी से बताओ। तो इसका आंसर है डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश को ही अभी 10 ब्रॉडगेज जो इंजन है वो सौंपे गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये सियालदा से भेजे गए हैं। ठीक है, सियालदा से भेजे गए हैं, और इसकी जो क्षमता है वो 3300 हॉर्स पावर की है। कितने पावर की है? 3300 हॉर्स पावर की, 33,300 हॉर्स पावर की इसकी क्षमता है। क्लियर एवरीवन? चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से। संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सा देश बाघ के अंगों की तस्करी का सबसे बड़ा स्रोत है? कौन सा ऐसा देश है जहां पर जो बाघ है, यानी कि जो टाइगर है, उसके अंगों को सबसे ज्यादा बेचा जाता है? अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ टाइगर स्मगलिंग? टाइगर स्मगलिंग में कौन सा कंट्री सबसे टॉप पे है, बताओ भाई, जल्दी से आंसर देना शुरू करो। 30वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भारत है, वियतनाम है, दक्षिण अफ्रीका है या ब्राजील है? तो आपको बता दें, विश्व में सबसे ज़्यादा, ये रिपोर्ट आई है 10 जुलाई को। कब ये रिपोर्ट आई है मेरे भाई? 10 जुलाई को ये रिपोर्ट आई है, और 10 जुलाई को ये जो रिपोर्ट जारी की है वो कौन संस्था इसको जारी करता है? UNODC, यानी कि यूनाइटेड नेशन जो ड्रग्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस रिपोर्ट को जारी करता है। कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र ड्रग एवं क्राइम कार्यालय। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ड्रग्स एंड क्राइम ऑर्गेनाइजेशन, ये इस रिपोर्ट को जारी करता है। इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर है भाई? ऑस्ट्रेलिया में इसका हेडक्वार्टर है। 10 जुलाई को ये रिपोर्ट आई है, और इसने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जो विश्व में सबसे ज्यादा टाइगर की स्मगलिंग यहीं पर होती है। ठीक है, तो विश्व में सबसे ज्यादा टाइगर की स्मगलिंग कहाँ होती है? भारत में होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से। भारत ने हाल ही में किस पड़ोसी देश के साथ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है? इंडिया हैज रिसेंटली प्लान टू सेटअप अ सोलर पावर प्लांट इन विच ऑफ इट्स नाइबर कंट्री? नेपाल, भूटान, श्रीलंका या बांग्लादेश?
कहां पर कर रहा है जल्दी से बताओ। भारत ने हाल ही में अपने किस पड़ोसी देश में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है? नेपाल, भूटान, श्रीलंका या बांग्लादेश? कहां पर बनाई है योजना, जल्दी जल्दी से बताओ। ठीक है, ढाका कैपिटल बांग्लादेश की, बिल्कुल सही है। चलो 31वें क्वेश्चन का आंसर दो। ठीक है, तो ये जो योजना बनाई गई है वो श्रीलंका में बनाई गई है। कहाँ बनाई गई है? श्रीलंका में। और ये योजना को कार्यान्वयन कौन कर रहा है? एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। एनटीपीसी जो है वो इस योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो है वो ये बनवा रहा है। ठीक है, और इंटरनेशनल सौर्य गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर एनर्जी ग्रुप का जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है। कहाँ पर मेरे भाई? गुरुग्राम यानी गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है। तो सोलर एनर्जी ट्री भी स्थापित किया गया। अब ये आप क्वेश्चन ढूंढिएगा कि भारत में सोलर ट्री जो है वो कहाँ पर बनाया गया है। सोलर एनर्जी ट्री, विश्व का सबसे बड़ा जो सोलर ट्री बनाया गया है वो लंदन में बनाया गया। कहाँ बनाया गया? लंदन में बनाया गया। कुछ दिन पहले मैं अपने 8 बजे वाले करंट अफेयर की क्लास में बना रहा था। 8 AM पर जो मेरा करंट अफेयर का क्लास होता है उसमें ये जो करंट अफेयर के डेली क्वेश्चन आते हैं वो मैं कराता रहता हूँ। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। यूनिसेफ जो महिलाओं और बच्चों के लिए होता है ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ द्वारा जुलाई 2020 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में लगभग कितने बच्चों के रक्त में शीशे की मात्रा अधिक है, यानी लेड की मात्रा ज़्यादा है। वो बीच में एक रिपोर्ट आई थी ना, कहते थे कि ये जो आपका चाइनीज खिलौने हैं इनके साथ बच्चे ना खेलें वरना खून में लेड की मात्रा बढ़ जाएगी, जो हार्ट और बाकी चीज़ों के लिए बहुत घातक होती है। तो अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट रिलीज बाई द यूनिसेफ इन जुलाई 2020, अप्रॉक्सिमेटली हाउ मेनी चिल्ड्रेन इन द वर्ल्ड हैव अ हाई अमाउंट ऑफ लेड इन देयर ब्लड? 6 मिलियन बच्चे हैं, 500 मिलियन बच्चे हैं, 700 मिलियन बच्चे हैं या 800 मिलियन बच्चे हैं? कितने मिलियन बच्चे हैं जिनका ये एक कंडीशन, एक रिपोर्ट आई हुई है? ठीक है, 32 नंबर का क्वेश्चन है, बताओ भाई। ठीक है, ये रिपोर्ट जो जारी करता है वो यूनिसेफ जारी करता है और इसके साथ मिलकर के एक और संस्था है जिसका नाम है प्योर अर्थ। प्योर अर्थ ये संस्था मिलकर जारी करती है। ये भी ध्यान रखना, हो सकता है आपसे पूछ ले कि यूनिसेफ के साथ में मिलकर के कौन सी संस्था इस रिपोर्ट को जारी करती है। तो यूनिसेफ और प्योर अर्थ मिलकर के इस रिपोर्ट को जारी करते हैं। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो आपका है, आपको बता दें कि इस रिपोर्ट के अनुसार 600 मिलियन, यानी कि 600 मैं कह रहा हूँ, 800 मिलियन, इसका डी आंसर सही हो जाएगा। 800 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जिनके शरीर में, ब्लड में लेड की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा किसकी मात्रा ज्यादा है, लेड की मात्रा ज्यादा है। क्लियर, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई 2020 को किस देश में भारत के सहयोग से निर्मित एक नए सुप्रीम कोर्ट भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया है? इन विच कंट्री डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द न्यू सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग बिल्ड इन कोलेबोरेशन विद इंडिया ऑन 30 जुलाई थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? नेपाल, अफगानिस्तान, मॉरिशस या मालदीव? चलो फटाफट आंसर देना शुरू करो जल्दी जल्दी भाई। दो काम करते रहना, सेशन को लाइक और शेयर करते रहना। ठीक है, लाइक करते रहना और शेयर करते रहना। और आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि सुबह 8 AM पर मेरा सेशन होता है करंट अफेयर का, इसमें रोज़ सुबह मेरे साथ जुड़ जाया करो। और शाम को 5 PM पर मेरा जो सेशन होता है वो 6 मंथ का करंट अफेयर मैं करा ही रहा हूँ। ठीक है, चलो बताओ। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि 30 जुलाई को जो ये सुप्रीम कोर्ट लॉन्च किया गया वो मॉरिशस में लॉन्च किया गया। कहाँ पर लॉन्च किया गया? मॉरिशस में लॉन्च किया गया। तो भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी ने इसको ऑर्गेनेट किया है और मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री, अभी मैं आपको बता रहा था भारतीय मूल की संख्या यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो प्रवीण कुमार जगन्नाथ है। कौन है भाई? प्रवीण कुमार जगन्नाथ, ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ और मॉरिशस के आपके जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है पीएम नरेंद्र मोदी, इन दोनों ने मिलकर के इसका जो है सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया है। कहाँ पर उद्घाटन किया मेरे भाई? मॉरिशस में उद्घाटन किया। बड़ी खूबसूरत सिटी है और मैक्सिमम लोग यहाँ पर बिहार के बसे हुए हैं। तो बिहार के जितने बच्चे हो जरा थम्सअप दिखाओ कमेंट बॉक्स में यार। ठीक है, मैक्सिमम जो लोग हैं वो बिहार से यहाँ पर बसे हुए हैं, ईस्ट यूपी और बिहार से यहाँ पर बसे हुए हैं। तो भैया बिहार के देखो, बिहार बिहार से ही आपके जो प्राइम मिनिस्टर है वो सूरीनाम में है, बिहार से ही जो प्राइम मिनिस्टर है वो आपके कहाँ पर है? मॉरिशस में है। तो जल्दी से भैया बिहार के जितने बच्चे एक बार थम्सअप जरूर दिखा दो भाई कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
हाल ही में किस देश ने झेलम नदी पर 700 मेगावाट आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए पाकिस्तान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बताओ भाई, विच कंट्री हैज रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद पाकिस्तान फॉर द 700 मेगावाट आजाद पट्टन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन झेलम रिवर? देखो, एक और बहुत बढ़िया आपको काम चीज बता देता हूँ। आपने दोआब वर्ड सुना होगा, जो लोग भी इतिहास पढ़ते होंगे, हिस्ट्री होंगे पढ़ते होंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में कर वृद्धि कर दी थी। दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच का स्थान, एक नदी ये है, एक नदी ये जा रही है, इसके बीच का जो स्थान है वो दोआब कहलाता है, ठीक है। इसी तरह पांच नदियों के बीच के स्थान को क्या कहेंगे? पंजाब कहेंगे। बहुत बढ़िया चीज है। देख लो, आब का मतलब उर्दू भाषा में होता है पानी, आब का मतलब क्या होता है? पानी। तो पांच नदियों के बीच का स्थान पंजाब, दो नदियों के बीच का स्थान दोआब। तो ध्यान रखिए, पंजाब में पांच नदियां जो हैं, झेलम, रावी, चनाब, व्यास, सतलज, तो इन रिवर्स पर ये इंडिया में भी बहती हैं, पाकिस्तान में भी बहती हैं, और सिंध की सहायक नदियां सब सिंधु रिवर में मिल जाती हैं, इंडस रिवर में सारी मिल जाती हैं। क्लियर एवरीवन? तो झेलम नदी पर ये जो प्रोजेक्ट बना रहा है, किसके साथ टाई अप किया? उत्तर कोरिया, जापान, रूस या चाइना? किसके? ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। पाकिस्तान को एक ही कंट्री सपोर्ट करता है, बताओ भाई कौन सी कंट्री है? पाकिस्तान को सिर्फ एक ही कंट्री है सपोर्ट करती है। जल्दी से आंसर देना शुरू करो कमेंट बॉक्स में सभी लोग। आंसर नहीं आ रहा तुम लोगों का, जल्दी जल्दी आंसर देना शुरू करो। डी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है, डी ही आंसर होगा। चाइना के अलावा कोई सपोर्ट नहीं करता पाकिस्तान को, सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है वो चाइना करता है। यार इतने लोग जुड़े, जोड़ो ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो। बहुत जबरदस्त सेशन चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ठीक है भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं जल्दी से। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य, यानी कि सोलर एनर्जी से चलने वाली, सोलर प्लांट लगे हुए हैं उससे चलने वाली नौका है, एक नाव है जिसका नाम है आदित्य। क्या नाम है मेरे भाई? आदित्य ने इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए 27 जुलाई 2020 को प्रतिष्ठित गुस्तावे ट्रोवे अवार्ड, कौन सा अवार्ड जीता भाई? गुस्तावे ट्रोवे अवार्ड जीता है। इस नौका का संचालन भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला या पश्चिम बंगाल? बताओ भाई। टेलीग्राम चैनल बेटा आप मेरा जो ले सकते हैं, करंट अफेयर बाय अभिषेक सर अड्डा 247, ठीक है, करंट अफेयर बाय अभिषेक सर अड्डा 247, यहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। प्लस इसके साथ साथ बाकी जगह आपसे जुड़ा हुआ हूँ मैं, आप आराम से मेरे साथ वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, कौन कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला या पश्चिम बंगाल, कहाँ पे होगा? जल्दी जल्दी आंसर देना शुरू करो। बहुत बढ़िया, जबरदस्त आंसर आ रहे हैं। सक्सेस नाम से कौन है भैया? अपना नाम तो बता दो। बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने, ठीक है, केरला बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा आंसर सही है भाई? केरला। केरला ने अभी गुस्ताव ट्रोवे अवार्ड जीता है। कौन सा अवार्ड जीता है? ये आदित्य का संचालन, जो आदित्य नौका है जो कि आपकी सोलर एनर्जी से चलती है। नहीं भाई, इन क्वेश्चन को नोट नहीं करना, इसकी पीडीएफ अभी आपको मिल जाएगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अभी कुछ ही देर में इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा? बोर्ड तो आई थिंक क्लियर है एकदम, बोर्ड तो क्लियर आ रहा होगा आप लोगों के सामने। तो केरल इसका बिल्कुल सही आंसर है। आदित्य नौका केरल में चलाई जाती है, सोलर एनर्जी से चलाई जाती है। 27 जुलाई 2020 को इसने प्रतिष्ठित गुस्तावे ट्रोवे अवार्ड जीता है। कौन सा अवार्ड जीता है? गुस्तावे ट्रोवे अवार्ड जीता है, ठीक है, केरल में चलाया जाता है। ओके, ये जो पुरस्कार दिया जाता है ये फ्रांस के गुस्तावे ट्रोवे के सम्मान में दिया जाता है। गुस्तावे ट्रोवे जो फ्रांस से रिलेटेड है उनके सम्मान में दिया जाता है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। 60 क्वेश्चन करना है 9 बजे तक, आप टेंशन मत लीजिए, करिए, मेरी जिम्मेदारी, मैं कराऊंगा। 60 क्वेश्चन आपके खत्म होंगे 9 बजे से पहले, ठीक है। हाल ही में साबिक रासायनिक संयंत्र, साबिक केमिकल प्लांट 100% नवीकरण ऊर्जा से संचालित होने वाला विश्व का पहला रासायनिक संयंत्र बन गया है। यह संयंत्र किस देश में स्थित है? रिसेंटली द साबिक केमिकल प्लांट बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट केमिकल प्लांट टू बी ऑपरेटेड विद 100% रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? जो देखो, दो टाइप की ऊर्जा होती है, अक्षय ऊर्जा कहते हैं इसको। रिन्यूएबल एनर्जी को क्या कहते हैं? वो अक्षय ऊर्जा कहते हैं। अक्षय ऊर्जा क्या होती है? जैसे कोयला होता है, कोल एक दिन खत्म हो जाएगा, पानी के सोर्सेज भी लिमिटेड है, लेकिन जो आपकी एयर है, हवा,
एयर से जो चलता है वो आपका अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी हो जाएगी। सोलर एनर्जी ये भी आपकी रिन्यूएबल एनर्जी, सन कभी नहीं खत्म होने वाला, सन हमेशा रहेगा, तो जो ऊर्जा खत्म नहीं होती है उसको रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। तो ये जो साबिक केमिकल प्लांट है इसको हो सकता है पूरी तरीके से क्या किया गया है, आपका सोलर पैनल बेस कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये फुल्ली 100% रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट बन गया है। ये कहाँ का है ये आपको बताना है, फ्रांस का, अमेरिका का, जर्मनी का या स्पेन का, ये कहाँ का है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो है ये मैं आपको बता दूं, ये स्पेन का प्लांट है। कहाँ का है मेरे भाई, स्पेन का प्लांट है, और 29 जुलाई 2020 को ये इसको दर्जा दिया गया है, ठीक है, 29 जुलाई 2020 को इसका दर्जा दिया गया है। और ये जो साबिक प्लांट है ये 2004 में बना था, कब बना था मेरे भाई, 2004 में ये प्लांट बना था, ठीक। स्पेन बिल्कुल सही आंसर है, जबरदस्त, ठीक। पीडीएफ देखो बेटा, पीडीएफ यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, या आप टेलीग्राम चैनल पे भी उसको ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी पीडीएफ मिल जाएगी और नीचे कमेंट बॉक्स में भी पीडीएफ मिल जाएगी, जहां से आपका मन हो आप ले लीजिएगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 15वें भारतीय यूरोपीय संघ शिखर वर्चुअल सम्मेलन, वर्चुअल लगा यानी वीसी के थ्रू हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ है। 15वें भारत यूरोपीय संघ शिखर वर्चुअल सम्मेलन जुलाई 2020 में कितने वर्षों के लिए वैज्ञानिक तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में भारत यूरोपीय संघ समझौते का नवीकरण किया गया है, फॉर हाउ मेनी ईयर, ध्यान से सुना क्वेश्चन को, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड द इंडिया यूनाइटेड सॉरी ईयू, ठीक है, यूरोपीय यूनियन एग्रीमेंट एग्रीमेंट फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन रिन्यूड एट द 15th इंडिया ईयू समिट वर्चुअल समिट इन 2000, यानी 15 तारीख को जो ये समिट हुई थी भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में, इसमें साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी जो कॉपरेशन इंडिया और यूरोपीय यूनियन के बीच में चल रहा है उसको कितने सालों के लिए बढ़ा दिया गया, बताओ भाई, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के, या 5 साल के लिए। टेक्नोलॉजी कॉपरेशन यानी कि साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी कॉपरेशन का जो इंडिया और ईयू के बीच में एग्रीमेंट चल रहा था उसको कितने साल के लिए बढ़ा दिया, 2020 में खत्म हो रहा था, अब इसको बढ़ा दिया गया है, तो कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया भाई, मैं आपको बता दूं 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया, कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया डियर, 5 साल के लिए इसको बढ़ा दिया गया, ओके। बिल्कुल सही आंसर है राजा आपका, ठीक है, 5 सालों के लिए बढ़ा दिया गया, क्लियर। 25 जुलाई 2020 को यह सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था, 25 जुलाई 2020 को यह सम्मेलन हुआ था, क्लियर एवरीवन, ओके। भाई नहीं आ रहा है, 1 सेकंड आप होल्ड करिए जरा भाई, एक सेकंड होल्ड करिएगा आप लोग सभी लोग, ठीक है, 1 सेकंड बस, ओके ठीक है। तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। शंघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की डिजिटल बैठक की अध्यक्षता जुलाई 2020 में किस देश में हुई है, बताओ भाई। शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की डिजिटल बैठक की अध्यक्षता जुलाई 2020 में किस देश द्वारा की गई है, भारत, पाकिस्तान, रशिया या चाइना। बहुत आसान क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से आंसर देना शुरू करो इसका। बताओ भाई, बताओ जल्दी आंसर देना शुरू करो। ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स बाय अभिषेक सर, अड्डा 247। आप यहां पर टेलीग्राम पर मुझे सर्च कर सकते हैं, यहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। बाकी रही बात पीडीएफ की, पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, 100% कमेंट बॉक्स में भी पीडीएफ आपको मिलेगी, ठीक है, तो यहां से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्लियर। चलो भाई आंसर बताना शुरू करो इसका जल्दी जल्दी सभी लोग। द डिजिटल मीटिंग ऑफ द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ द मेंबर्स ऑफ कंट्रीज ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन वॉज चेयर्ड बाई विच कंट्री इन जुलाई 2020, किसने किया था, जल्दी से बताओ भाई आंसर। नहीं भाई, पाकिस्तान ने तो नहीं किया है, ठीक है, पाकिस्तान ने नहीं किया है, रशिया ने किया है, किसने किया भाई, रशिया ने किया है। और इसमें जो शंघाई सहयोग में कितने सदस्य देश, मैं आपको बता देता हूँ, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, कुल 8 कंट्री हैं इसमें, कितने कंट्री हैं, 8 कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, 8 कंट्री जो हैं SCO में आते हैं, ठीक है, और रशिया में इसकी बैठक हुई थी, क्लियर एवरीवन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से।
किस देश ने कोरोना महामारी के दौरान फ्रंट लाइन वॉरियर के तौर पर जुलाई 2020 में काम करने वाली भारतीय मूल की नर्स को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है? विच कंट्री हैज ऑनर्ड द इंडियन ओरिजिन नर्स हु वर्क एज ए फ्रंटियर वॉरियर ड्यूरिंग द कोरोना एपिडेमिक विद द नेशनल अवार्ड? जापान, चाइना, सिंगापुर या अमेरिका? किसने किया? जल्दी से आंसर बताना शुरू कियो। चलो भाई जल्दी से आंसर बताओ। ठीक है, सिंगापुर। सक्सेस ने आंसर दिया सिंगापुर। बहुत बढ़िया, जबरदस्त आप लोग बता रहे सारी चीजों को। ठीक है, बिल्कुल। किसने दिया है भाई? सिंगापुर ने दिया है। सिंगापुर भारतीय नर्स है कला नारायण स्वामी। क्या नाम है भाई? कला नारायण स्वामी। कला नारायण स्वामी ये भारतीय नर्स है सिंगापुर में। इनको राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है, नेशनल लेवल का अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा? कोरोना वॉरियर्स के लिए। ठीक है, उनसे लड़ने के लिए नेशनल लेवल का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट है, सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट है, क्या नाम है सिंगापुर के प्रेसिडेंट का? हलीम याकूब। हलीम याकूब जो है वो इस समय सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं, और इसके तहत एक ट्रॉफी दी है और 7228 डॉलर जो है वो इनाम दिया गया। एक ट्रॉफी दी गई है और 7228 डॉलर का इनाम भी दिया गया है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। जुलाई 2020 में वैश्विक अधिकार सूचकांक 2020 वैश्विक अधिकार सूचकांक 2020 में शामिल देशों की संख्या कितनी है? द नंबर ऑफ कंट्रीज इंक्लूडिंग द ग्लोबल राइट्स इंडेक्स इन 2020। जो जो ग्लोबल राइट्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, जल्दी से बताओ। ग्लोबल राइट इंडेक्स 2020 में कितने देशों को शामिल किया गया था? 144, 145, 146 या 147? जल्दी से आंसर दो भाई। चलो जल्दी जल्दी आंसर दो भाई। जुलाई 2020 में वैश्विक अधिकार सूचकांक यानी ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2020 में कितने कंट्री को शामिल किया गया है? 40 नंबर का आंसर दीजिए। इसको जारी करता है, ये जो रिपोर्ट है इसको जारी करता है इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉरपोरेशन कॉन्फेडरेशन। इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन जो है वो इस रिपोर्ट को जारी करता है। कौन जारी करता है? इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन इस रिपोर्ट को जारी करता है। ठीक है भाई, ठीक है। तो इसमें कितने कंट्री आ रहे हैं? 144 आ रहे हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 144 कंट्री पे ITUC ने ये रिपोर्ट बनाई है। 144 कंट्री के ऊपर ITUC ने, और इसने बताया है कि जो कामकाजी लोग हैं उसमें भारत 10 सबसे खराब देशों में आता है। भारत जो है वो 10 सबसे खराब देशों में आता है कामकाजी लोगों के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलो आंसर इसका बताओ। किसे जुलाई 2020 में मानवता के लिए गुलबेंकियन पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? बताओ भाई। बताओ भाई, गुलबेंकियन अवार्ड। हु वॉज अनाउंस्ड द अवार्डेड बाई द गुलबेंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी इन जुलाई 2020? इंदिरा नुई, अमर्त सेन, मलाला यूसुफ़ज़ई या ग्रेटा थनबर्ग? किसको दिया गया बताओ भाई जल्दी से। मलाला को नहीं दिया गया, सब लोग मलाला यूसुफ़ज़ई पे लगा देते हो। इसको नहीं दिया गया, और बताओ। बीस जुलाई 2020 को दिया गया था। कब दिया गया था मेरे भाई? 20 जुलाई 2020 को यह अवार्ड दिया गया है, और ये पुरस्कार जिनको दिया गया उनका नाम है ग्रेटा थनबर्ग। किसको दिया गया? ग्रेटा थनबर्ग को दिया गया। ये स्वीडन की है। कहाँ की है? स्वीडन की है, और पर्यावरण मामलों की विशेषज्ञ है। किसकी? पर्यावरण मामलों की विशेषज्ञ है, इसलिए इनको ह्यूमिनिटी गुलबेकियन प्राइज दिया गया है। कौन सा प्राइज दिया गया है? गुलबेकियन प्राइज दिया गया है। क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से।
जुलाई 2020 में कौन सा देश विश्व विश्व संगठन, ठीक है, या WTO का, ठीक है, 25वां पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर बना है? विच कंट्री बिकम द 25th ऑब्जर्वर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, किसका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 25वां ये बना हुआ है, ठीक है। अच्छा ठीक है, वाईमैक्स स्टडी कह रहे सर मैंने NTPC का टेस्ट लिया हुआ है पर पूरे क्वेश्चन नहीं ओपन होते हैं, तो बेटा आप मेल कर सकते हो हमारे यहाँ, ठीक है। देखो कमेंट बॉक्स उसमें नंबर दिया होता है, जब भी आप अपने उस पर जाएंगे चैनल क्या नाम है ऐप पर, वहाँ पर नीचे नंबर्स लगे हुए हैं, उन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, मेल भेज सकते हैं, ठीक है, वहाँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्लियर। चलो तो 25 ऑब्जर्वर कंट्री, 25वां नंबर किसको मिला है? जुलाई 2020 में कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन का 25वां पर्यवेक्षक देश बना है? अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या कजाकिस्तान, किसको बनाया गया? भाई बी आंसर दे रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोग, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर सी है, तुर्कमेनिस्तान बनाया है। कौन बनाया मेरे भाई? तुर्कमेनिस्तान बना हुआ है, ठीक है। तो WTO में जो है, WTO में 164 सदस्य देश है, ठीक है, पार्टिसिपेटिंग कंट्री कितने, 164, और 25 पर्यवेक्षक है, 25 क्या है, पर्यवेक्षक कंट्री है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर एग्रीमेंट फ्रेमवर्क समझौते पर जुलाई 2020 में हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन है? 87th कंट्री कौन सा है? हु इज द 87th कंट्री टू साइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इन जुलाई 2020? किसने किया? पनामा ने, ग्रेनाडा ने, निकारागुआ ने या जाम्बिया ने, किसने साइन किया है इसके ऊपर, ठीक है, सोलर एग्रीमेंट के ऊपर, इंटरनेशनल सोलर एग्रीमेंट फ्रेमवर्क पर किसने सिग्नेचर किया है, जल्दी से बताओ भाई आंसर। देखो ISA की जो स्थापना है नवंबर 2015 में पेरिस में हुई थी, कहां पर किया गया था, इसकी जो स्थापना हुई थी वो पेरिस में हुई थी, नवंबर 2015 में पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी। भाई इतने लोग जुड़े हुए हैं, सेशन को लाइक और शेयर करते रहो, जोड़ो यार ज्यादा से ज्यादा लोगों को, इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, सेशन को लाइक और शेयर करते रहो मेरे भाई, ठीक है, बार बार आपसे बोलना पड़ता है सभी लोगों से, ठीक है। चलो भाई, पनामा, ग्रेनाडा, निकारागुआ या जाम्बिया, तो इसका आंसर निकारागुआ है। कौन सा कंट्री है? निकारागुआ, अमेरिका के पास पड़ता है, USA के पास में एक कंट्री पड़ता है जिसका नाम है निकारागुआ, ठीक है, तो निकारागुआ को इसमें इसका 87वां जो है वो बनाया गया है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। जुलाई 2020 में भारत सरकार ने किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवा इकाई की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बताओ भाई, जुलाई 2020 में भारत सरकार ने किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा पर सिग्नेचर किया है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड द एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू सेटअप द इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज यूनिट इन 2020? नेपाल, मालदीव, श्रीलंका या बांग्लादेश, किसके साथ में किया गया, बताओ भाई। पप्पू कुमार गुड मॉर्निंग, बहुत लेट हो गए भाई, ठीक है, सेशन 7 बजे से चल रहा है। चलो भाई क्या आंसर हो गया भाई? मालदीव के साथ किया है, किसके साथ किया है मेरे भाई? मालदीव के साथ किया है 20 जुलाई 2020 को, 20 जुलाई 2020 को मालदीव के साथ में यह समझौता हुआ है, ठीक है, मालदीव की कैपिटल माले में, क्लियर एवरीवन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में नूर वली महसूस को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया गया है, वह किस आतंकवादी संगठन का सरगना है? द यूनाइटेड नेशन रिसेंटली डिक्लेयर द नूर वली फीलिंग इज एन इंटरनेशनल टेररिस्ट, ही इज लीडर ऑफ विच टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान या अलकायदा, किसका है भाई इंटरनेशनल, इसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया गया नूर वली महसूस को? जल्दी जल्दी आंसर देना शुरू करो। संयुक्त राष्ट्र ने हाल में ही क्या किया है भाई? चलो भाई जल्दी जल्दी आंसर देना शुरू करो। लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, तहरीके तालिबान पाकिस्तान या अलकायदा, किसका किया गया है, बताओ भाई जल्दी से आंसर देना शुरू करो। ओके तो ठीक है भाई, इसका आंसर मैं तुम लोगों को जल्दी से बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा अलकायदा। इसका आंसर क्या है मेरे भाई?
अलकायदा, अलकायदा का आतंकवादी है जिसका नाम है आपका नूर वली महसूस, उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर दिया है। और किसने किया है? यूनाइटेड नेशंस ने किया, संयुक्त राष्ट्र ने उसको घोषित किया है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। मार्च 2020 में जारी पशु संरक्षण सूचकांक 2020, पशु संरक्षण सूचकांक 2020 में भारत को किस प्रकार की श्रेणी प्रदान की गई है? द एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 रिलीज्ड इन मार्च 2020, विच टाइप ऑफ कैटेगरी हैज बीन असाइंड टू इंडिया? सी ग्रेड, डी ग्रेड, ए ग्रेड या बी ग्रेड? कौन सी ग्रेड दी गई है बताओ भाई, आंसर देना शुरू करो जल्दी से इसका। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर देना शुरू करो, क्या हो जाएगा बताओ भाई। इन द एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 रिलीज इन मार्च 2020, विच टाइप ऑफ कैटेगरी हैज बीन असाइंड टू इंडिया? इंडिया को कौन सी कैटेगरी दी गई है? क्वेश्चन नंबर 46, जल्दी बताओ भाई। मार्च 2020 में रिपोर्ट आई है, कब रिपोर्ट आई है भाई? मार्च 2020 में ये रिपोर्ट आई है। क्लियर एवरीवन, मार्च 2020 में रिपोर्ट आई है। ठीक है, और इस रिपोर्ट को देता है विश्व पशु संरक्षण, विश्व पशु संरक्षण ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व पशु संरक्षण एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये रिपोर्ट एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स तैयार कराता है। और मैं आपको बता दूं, ए से लेके जी कैटेगरी तक देता है। कौन कौन सी कैटेगरी देता है? ए टू जी कैटेगरी देता है। ए सबसे अच्छी है और जी सबसे खराब है पशुओं के मामले में। तो भारत को जो रैंक दी गई है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, भारत को कौन सी रैंक दी गई है। भारत को जो रैंक इसमें दी गई है वो रैंक दी गई है आपकी सी कैटेगरी दी गई है, यानी इसका ए आंसर सही हो जाएगा, सी कैटेगरी की रैंक दी गई है, यानी भारत अभी अच्छा है इस मामले में। ठीक है, और सबसे अच्छा जो प्रदर्शन करने वाले देश हैं वो डेनमार्क और स्विट्जरलैंड है। डेनमार्क और स्विट्जरलैंड नंबर वन और नंबर टू पोजीशन पे डेनमार्क और स्विट्जरलैंड आते हैं। ठीक है भाई, और सुनो एक चीज का ध्यान रखना कि डेनमार्क और ये जो देश हैं ये भी बी कैटेगरी में आते हैं, ए कैटेगरी किसी को नहीं मिला है इसमें, ए कैटेगरी किसी को भी नहीं मिला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए जल्दी से। मार्च 2020 में जारी खुशहाली रिपोर्ट 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? व्हाट पोजीशन हैज इंडिया गॉट इन 2020 इन हैप्पीएस्ट रिपोर्ट इन मार्च 2020? हैप्पीनेस इंडेक्स बनता है, कौन सा बनता है? हैप्पीनेस इंडेक्स बनता है। इसमें भारत को कौन सी रैंक मिली? 144, 145, 46 या 47? जल्दी बताओ भाई। 144, 145, 146 या 147, कौन सी रैंक मिली है ये आपको बताना है। ठीक है भाई, ठीक। इस रिपोर्ट को भी कौन जारी करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। फिर से सुन लो, इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? इश्यूड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये जो है वो इस रिपोर्ट को जारी करता है। ठीक है भाई, ध्यान रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जो है इस रिपोर्ट को जारी करता है, और 156 देशों पर यह रिपोर्ट बनाता है, 156 देशों पर यह रिपोर्ट बनाता है। इसमें जो टॉप की कंट्री है वो फिनलैंड, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड है। फिनलैंड, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड ये टॉप में है, इनको जो रैंक मिली। सबसे ज्यादा खुश लोग कहाँ पर हैं? फिनलैंड में है, सेकंड नंबर पर डेनमार्क में, थर्ड नंबर पर स्विट्जरलैंड में है, ये सबसे ज्यादा खुश लोग हैं। और जो सबसे जो लोवेस्ट देश है, मैं आपको बता दूं खुशहाली रिपोर्ट में जो अंतिम चार के देश है वो अफगानिस्तान, दक्षिणी सूडान और जिम्बाब्वे। अफगानिस्तान, साउथ सूडान और जिम्बाब्वे ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर है, सबसे नीचे इनका नंबर आता है। ठीक है, अफगानिस्तान, साउथ सूडान और जिम्बाब्वे सबसे नीचे आते हैं, टॉप पे आते हैं कौन कौन सा? फिनलैंड, डेनमार्क और स्वीडन, ये टॉप पर आते हैं। क्लियर एवरीवन, ये सारे कंट्रीज इसमें टॉप पर आएंगे। ठीक, और भारत को 144वां स्थान है। सोचो, भारत को 144 स्थान मिला है 156 में से, इतनी बुरी स्थिति है। इससे अच्छी स्थिति तो नेपाल की है। नेपाल भैया, नेपाल इसमें 52 पोजीशन पे है। पाकिस्तान 66वीं पोजीशन पे है। बांग्लादेश 107 पे है। श्रीलंका 130 पे है। चाइना 94 पे है। सोचो, पाकिस्तान 66वीं पोजीशन पे है खुशहाली के मामले में, और भारत को कौन सा नंबर मिला है? 144वां नंबर मिला है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से। एक सेकेंड,
चलो भाई। ठीक है चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई। कुशमैन एंड विकफील्ड द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? विच कंट्री हैज रैंक द फर्स्ट इन द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स इसमें जो कि रिलीज करती है कुशमैन एंड क्या नाम है वेकफील्ड, ये लोग ये रिपोर्ट बनाते हैं कुशमैन एंड वेकफील्ड। इस रिपोर्ट में सबसे टॉप स्थान किसका है? भारत का, वियतनाम का, चाइना का या अमेरिका का? बताओ भाई जल्दी से आंसर देना शुरू करो। ठीक है अभी आपको कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मैं डाल दूंगा। ठीक है बताओ भाई क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर देना शुरू करो क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है जल्दी जल्दी आंसर देना शुरू करो। भारत, वियतनाम, चीन या अमेरिका? तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना जो है, चाइना को जो है वो आपका ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में टॉप स्थान मिला है। चाइना को जो है वो क्या मिला है, टॉप स्थान मिला है। कब जारी हुआ था? जुलाई 2020 में। कब जारी हुआ था? जुलाई 2020 में। टॉप की कंट्री तीन है, चाइना यूएसए एंड चाइना यूएसए एंड इंडिया, ये टॉप की कंट्री है। यानी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में जो टॉप की कंट्री है, नंबर वन पे चाइना है, सेकंड नंबर पे यूएसए है और थर्ड नंबर पर आपका कौन सा है भाई? थर्ड नंबर पर आपका इंडिया है। ठीक है थर्ड नंबर पे इंडिया है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखने लोगों के। ठीक है चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ठीक है चलो आ जाओ भाई। 26 मार्च 2020 यूनाइटेड स्टेट लॉन्च द AEF-H6, अ हाईली एडवांस फ्रीक्वेंसी सैटेलाइट एंड टू मिलिट्री कम्युनिकेशन फॉर विच अस डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन इज दिस सैटेलाइट बिल्ट। 26 मार्च 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य संचारण के एक उद्देश्य से एक अत्यंत उन्नत आवृत्ति उपग्रह AEH-6 का प्रक्षेपण किया गया है। यह उपग्रह अमेरिका के किस रक्षा संगठन के लिए बनाया गया है? नौसेना के लिए, अंतरिक्ष बल के लिए, वायुसेना के लिए या थल सेना के लिए? बताओ भाई जल्दी से आंसर देना शुरू करो। बताओ भाई चलो जल्दी से आंसर देना शुरू करो फटाफट भाई, क्या आंसर हो जाएगा बताओ भाई? डी आंसर दिया है। ठीक है वेरी गुड, और बताओ। फोर्टी 49 का आंसर बताओ सभी लोग। वायुसेना के लिए बनाया गया, किसके लिए बनाया गया ये भाई? अंतरिक्ष बल के लिए बनाया गया, किसके लिए बनाया गया? इसका बी आंसर हो जाएगा, अंतरिक्ष बल के लिए बनाया गया। किसके लिए बनाया गया मेरे भाई? अंतरिक्ष बल के लिए ये बनाया गया है। 26 मार्च 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो लॉन्च किया है AEHF, ये अंतरिक्ष बल के लिए, जो अंतरिक्ष की सिक्योरिटी के लिए जो बल बना हुआ है उसके लिए ये बनाया गया है। ठीक है चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक, कौन सा देश 27 मार्च 2020 को आधिकारिक रूप से नाटो का 30वां सदस्य बन गया है? विच कंट्री ऑफिशियली बिकम द 30th मेंबर ऑफ नाटो इन 27 मार्च 2020? मॉन्टीनेग्रो, भारत, उत्तरी मैसिडोनिया या मोजाम्बिक? बताओ भाई कौन बना है 30वां सदस्य नाटो का? बताओ भाई नाटो का 50वां सदस्य कौन सा देश बना है इसमें से? मॉन्टीनेग्रो, भारत, उत्तरी मैसिडोनिया या मोजाम्बिक, किसको बनाया गया है? बिल्कुल सही आंसर आप सबका, नॉर्थ मैसिडोनिया। कौन सा भाई? नॉर्थ मैसिडोनिया जो है वो इसका सदस्य बना है। ठीक, नॉर्थ मैसिडोनिया। नाटो की जो स्थापना हुई थी वो 4 अप्रैल
4 अप्रैल 1949 को हुई थी। नाटो जो बना था वो 4 अप्रैल 1949 को बना था, और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो एचक्यू है, वो ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर है भाई? ब्रुसेल्स में है, जो बेल्जियम की कैपिटल है। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स का नाम आया तो एक चीज़ आपको और बता दें कि एक आपने स्विफ्ट सुना होगा, वर्ड स्विफ्ट, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंकिंग फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंकिंग फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। यानी एक कंट्री से जब दूसरे कंट्री में पैसा भेजा जाता है तो स्विफ्ट कोड जनरेट होता है। इसका हेडक्वार्टर भी बेल्जियम में है। कहाँ पर है? बेल्जियम में, ब्रुसेल्स में इसका भी हेडक्वार्टर है। ठीक है भाई, तो नाटो का हेडक्वार्टर भी वहाँ पर है और ब्रुसेल्स में स्विफ्ट का भी हेडक्वार्टर है। ठीक है भाई, 4 अप्रैल 1949 को बना था, बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बड़ा आसान क्वेश्चन है, तो सब बता दोगे। किस अरब देश ने हाल ही में मंगल ग्रह के लिए अपना पहला अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है? विच अरब कंट्री रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट स्पेस मिशन टू मार्स? कतर, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब या कुवैत? किसने लॉन्च किया? जल्दी से बताओ आंसर, फटाफट जल्दी जल्दी आंसर देना शुरू करो। 19 जुलाई 2020 को लॉन्च किया है ये मिशन। ठीक है, और जो सैटेलाइट है उसका नाम है होप। क्या नाम है सैटेलाइट का? सैटेलाइट का नाम होप है। ठीक है, क्या आंसर दिया आप लोगों ने, जरा देखा? बिल्कुल सक्सेस, एकदम सही बता रहे हो। इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात ने अपना मिशन लॉन्च किया है। और किसके सहयोग से लॉन्च किया? जापान के सहयोग से लॉन्च किया, ध्यान रखिएगा, जापान के सहयोग से इसको लॉन्च किया गया है। क्लियर एवरीवन? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जुलाई 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया के किन देशों को रुबेला मुक्त घोषित किया गया? रुबेला वायरस से उससे मुक्त घोषित कर दिया गया है, किन देशों को किया गया, ये आपको बताना। मालदीव को, श्रीलंका को, ए एंड बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। विच कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया वर डिक्लेयर्ड रुबेला फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन जुलाई 2020? रुबेला से मुक्त कर दिया गया है, रुबेला वायरस से फ्री कर दिया गया, किस कंट्री को? नाम बताओ भाई। रुबेला के साथ साथ एक चीज से और मुक्ति किया, रुबेला वायरस से और मीजल्स। मीजल्स जो होता है यानी कि खसरा, जो छोटी छोटी दाने निकलते हैं जिनको कि भारत में छोटी माता भी कहा जाता है, खसरा, इन दोनों से मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो वो कौन कौन से कंट्री है तो मैं आपको बता दूं, मालदीव और श्रीलंका दोनों। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सी आंसर, ए और बी। मालदीव और श्रीलंका को मीजल्स और रुबेला से WHO ने मुक्त कर दिया कि अब इस देशों में ऐसा कोई भी केसेस नहीं है। ठीक है मेरे भाई, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से। 53 नंबर, जून 2020 में किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया? बताओ भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, इसको इंपॉर्टेंट मार्क्स करिएगा भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, श्रीलंका मालदीव दोनों है। ठीक है, विच कंट्री इश्यूड एन अरेस्ट वारंट अगेंस्ट US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप? ठीक है भैया, एक चीज ध्यान रखना, कल सुबह 8 बजे सब लोग मेरे साथ जुड़ जाना। कल सुबह 8 AM पर मेरी करंट अफेयर की क्लास होगी, इसके साथ में जुड़ जाना। और साथ में शाम को 5 PM पर मैं जो क्लास लूंगा वो आपकी लूंगा, किस पे? 6 मंथ का करंट अफेयर, जो सेशन आपका चल रहा है, शाम को 5 बजे क्लास लूंगा। तो मेरे साथ दोनों सेशन में आप सभी लोग जुड़ जाना, ठीक है भाई, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना। क्लियर एवरीवन? चलो बताओ भाई आंसर दो, इसका क्या है? सऊदी अरब ने, ईरान ने, चीन ने या उत्तर कोरिया ने? किसने डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट इशू किया है बताओ भाई? ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, जबरदस्त, मैक्सिमम लोगों के सही आंसर आ रहे हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा भाई, ईरान है। कौन है? ईरान ने, ईरान के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये कर दिया था। ठीक है, ट्रंप की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से सहायता मांगी थी। क्यों क्यों मांगी थी? क्योंकि बगदाद में एक ड्रोन हमला हुआ था, उसकी वजह से मांगा गया था। ठीक है भाई, चल नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। NMM राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के तहत मंगोलियाई कंजूर के सभी 108 अंकों का प्रकाशन कब तक किया जाएगा? By when will all 108 issues of मंगोलियाई कंजूर be published under the National Manuscript Mission? ठीक है, नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट मिशन, नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट मिशन जो है, जिसको कि NNM कहते हैं, ये मंगोलियाई कंजूर के 108 जो जो भी है इनका प्रकाशन कब तक कर दिया जाएगा बताओ भाई? इंटरपोल 194 मेंबर, गुड।
ठीक है, तो ये मार्च 2022 तक किया जाएगा। और मंगोलिया कंजूर में है क्या, मैं बता दूं कि देखो जो गुरु पूर्णिमा होती है, क्या होती है भाई, गुरु पूर्णिमा या इसको बुद्ध पूर्णिमा की अगर बात करें, बुद्ध पूर्णिमा की अगर बात करें जाए, तो इस अवसर पर मंगोलिया में जो भारत के राजदूत हैं और मंगोलिया के जो राष्ट्रपति हैं, मंगोलिया की कैपिटल क्या, उलांग बटोर, मंगोलिया की कैपिटल क्या है भाई, उलांग बटोर। तो यहाँ पर जो बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर इन्होंने क्या, जो गुरु पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा, इसको धर्म चक्र दिवस मनाया जाता है वहां पर। कौन सा मनाया जाता है, धर्म चक्र दिवस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता भाई, धर्म चक्र दिवस के नाम से जाना जाता है। और इसी दिन मंगोलिया में बुद्धिज्म से रिलेटेड 108 इश्यूज होंगे, जिनको मंगोलियन कंजूर कहा जा रहा है। इसको 22 मार्च 2022 तक, मार्च 2022 तक 108 इश्यूज जो है वो सारे रिलीज कर दिए जाएंगे, सारे के सारे पब्लिश कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। मेडलिन स्विगल जुलाई 2020 में किस देश की नौसेना में सामरिक विमान पायलट बनने वाली प्रथम ज्ञात अश्वेत महिला हैं? मेडलिन स्विगल इज द फर्स्ट नोन ब्लैक वुमेन टू बिकम ए स्ट्रेटजिक एयरक्राफ्ट पायलट इन द नेवल ऑफ द विच कंट्री 2020, 2020 में, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका या कनाडा? जो मेडलिन स्विगल है, ये नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एकदम से फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मेडलिन स्विगल जुलाई 2020 में किस देश की नौसेना में सामरिक विमान पायलट बनने वाली प्रथम ब्लैक महिला है, अश्वेत महिला है? बताओ भाई जल्दी से आंसर देना शुरू करो। 55 का क्या आंसर है? ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई मेरे, संयुक्त राज्य अमेरिका। कितने लोगों ने यूएसए बताया भाई, जितने लोगों ने यूएसए बताया बिल्कुल सही आंसर है, 100% सही आंसर है यूएसए। क्लियर एवरीवन? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, जल्दी जल्दी करवा दे भाई। आप लोग कह रहे थे 11 बज जाएंगे, 11 नहीं बजेंगी, 60 क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर दूंगा 9 बजे तक। अब आपको लग रहा होगा हो जाएगा, ठीक है, बस जैसे टीचर पढ़ाए उसके हिसाब से पढ़िए, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, किस देश में स्थित हागिया संग्रहालय को जुलाई 2020 में मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया? इन विच कंट्री इज द हागिया, हागिया सोफिया पूरा नाम है इसका, क्या नाम है, हागिया सोफिया, हागिया सोफिया म्यूजियम कन्वर्टेड इनटू मॉस्क इन जुलाई 2020, ओमान, जॉर्डन, तुर्की या मिस्र? ये तो सब आंसर बता लोगे यार, बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर तो सभी लोग बता लेंगे। जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी आंसर बताना शुरू करो। इन विच कंट्री इज द हागिया सोफिया म्यूजियम, देखो हागिया सोफिया म्यूजियम को मुस्लिम मुस्लिम ईसाई एकता का प्रतीक माना जाता है, मुस्लिम ईसाई एकता का प्रतीक माना जाता है, मुस्लिम ईसाई एकता का प्रतीक माना जाता था हागिया सोफिया म्यूजियम को। ठीक है, टर्की है, तो हागिया सोफिया म्यूजियम को मुस्लिम ईसाई एकता का प्रतीक माना जाता था। ठीक है, हागिया सोफिया म्यूजियम को माना जाता था, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, टर्की का, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का टर्की है। पहले ये एक चर्च था, हागिया सोफिया जो था ये एक चर्च था, और इस्तांबुल में है। कहां पर है भाई, इस्तांबुल में है, और इस्तांबुल पहले ईसाइयों का सबसे बड़ा सेंटर होता था, लेकिन जब ऑटोमन तुर्क या उस्मानी तुर्कों ने अटैक किया है, उस्मानी तुर्कों या ऑटोमन तुर्कों ने जब अटैक किया, कहां पर अटैक किया, आपका टर्की पे अटैक किया, उस पूरे एरिया पे जब अटैक किया, तो इस चर्च को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन 1924 के आसपास, 1924 के आसपास है, जिनको अतातुर्क कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, अतातुर्क, अतातुर्क यानी कि मुस्तफा कमाल पाशा, मुस्तफा कमाल पाशा जो है आधुनिक तुर्की के निर्माता कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं, आधुनिक तुर्की के निर्माता कहे जाते हैं। तो मुस्तफा कमाल पाशा ने क्या किया था, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की, वहां पर टोपी पर बैन कर दिया, बुरके पर बैन कर दिया, जो मुस्लिम औरतें बुरका पहनती है, नकाब पहनती है, उस पर बैन कर दिया, और मुस्लिम जो टोपी लगाते हैं उसको भी बैन कर दिया, एक आधुनिक तुर्की का निर्माण किया, जो यूरोप बेस पे इस्लामिक कंट्री था। तो उन्होंने इसको म्यूजियम बना दिया था, मस्जिद से हटा करके म्यूजियम बना दिया था। और लेकिन अभी जो यहाँ के जो आपके प्रेसिडेंट हैं टर्की के, रेसेप तैयप अर्डोगन, कौन है भाई मेरे भाई, रेसेप तैयप अर्डोगन ने इसको फिर से क्या कर दिया है, मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया गया है, हादिया सोफिया म्यूजियम को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र को अप्रैल 2020 में स्थगित कर दिया गया था, इस सत्र की बैठक किस देश में प्रस्तावित थी? द 44th सेशन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी वॉज पोस्टपोन्ड इन अप्रैल 2020, इन विच कंट्री वॉज द मीटिंग ऑफ दिस सेशन प्रपोज? इंडिया, चाइना, जापान या साउथ कोरिया, कहां पर थी बताओ?
ठीक है बताओ भाई, जल्दी से बताओ, भारत, चाइना, जापान या दक्षिण कोरिया, कहां पर होनी थी ये बैठक, जल्दी से बता दो भाई। तो ये बैठक जो होनी थी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की, जो यूनेस्को की बैठक थी, वो चाइना में होनी थी। कहां पर होनी थी? चाइना में होनी थी, बट ड्यू टू कोविड 19 इसको क्या कर दिया गया था, ड्यू टू कोविड 19 इसे क्या किया गया, पोस्टपोन कर दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया। 44वां सेशन होना था, कौन सा सेशन होना था, 44 सेशन होना था, फुजियान स्टेट में होना था। कहां पर होना था? चाइना के फुजियान स्टेट में। किस स्टेट में मेरे भाई? चाइना के फुजियान स्टेट में ये होना था। क्लियर एवरीवन? चाइना के फुजियान स्टेट में। और यूनेस्को जो बना था 16 नवंबर 1945 को बना था। यूनेस्को की अगर बात करें तो 16 नवंबर 1945 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 16 नवंबर को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। किस देश ने ईरान समर्थित आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह पर अप्रैल 2020 में पूर्णता प्रतिबंध लगाते हुए उसे एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो हिजबुल्लाह मैं आपको बता दूं लेबनान का है। कहां का है भाई? लेबनान का संगठन है। एक आतंकवादी संगठन कहां का है? लेबनान का है। इसको ईरान का फुल सपोर्ट है। इसको ईरान का क्या है भाई? फुल सपोर्ट है, क्योंकि हिजबुल्लाह वाले भी जो है वो शिया मुस्लिम है, और ईरान भी शिया मुस्लिम कंट्री है। शिया मुस्लिम कंट्री है जो ईरान है, तो हिजबुल्लाह को फुल सपोर्ट रहता है। क्या नाम है इनका, ईरान का। तो लेबनान में जो हिजबुल्ला है, ईरान, ये इसराइल के जस्ट ऊपर ये कंट्री पड़ता है लेबनान। ठीक है, ठीक है, चलो जल्दी से आंसर देना शुरू करो। विच कंट्री डिक्लेयर द ईरान बैक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्ला, ठीक है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इन अप्रैल 2020 कंप्लीटली बैन इट। ठीक है, ब्रिटेन ने किया, ऑस्ट्रेलिया ने किया, फ्रांस ने किया, कि जर्मनी ने किया, किसने किया, जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से 58 का आंसर बता दो भाई, किसने किया बैन? तो भाई आपको बता दें कि इसको जो बैन किया है वो किया है मेरे भाई, किसने बैन कर दिया है? जर्मनी ने बैन किया है। किसने बैन किया है हिजबुल्ला को? जर्मनी ने बैन कर दिया है। जर्मनी ने हिजबुल्ला को बैन किया है। अच्छा भाई, आपकी भी कमेंट पढ़ते हैं। कौन है? ISCP, जनरल स्टडी ट्यूटोरियल क्लास, इतना लंबा तो आपने नाम बना रखा है, तो आपका भी कमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो जर्मनी ने बैन किया। किसने बैन किया है भाई? हिजबुल्ला को। जर्मनी ने बैन कर दिया हिजबुल्ला को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से। किस देश के कृषि मंत्री की अध्यक्षता में G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक अप्रैल 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई? बताओ भाई, आंसर देना शुरू करो जल्दी से। किस देश के कृषि मंत्री की अध्यक्षता में G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक अप्रैल 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुई? अमेरिका, कनाडा, भारत या सऊदी अरब, किसके द्वारा हुई? बताओ भाई जल्दी से बताओ। अब्दुल रहमान अल फलादी। अल फलादी भैया, सऊदी अरब इसका सही आंसर है। सब लोग लगा लो कि सऊदी अरब, G20 देशों की जो कृषि मंत्रियों की बैठक हुई सऊदी अरब की अध्यक्षता में हुई है, और सऊदी अरब के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उनका नाम है अब्दुल रहमान अल फलादी। ठीक है, अब्दुल रहमान अल फलादी के नेतृत्व में G20 देशों की कृषि मंत्रियों की बैठक कराई गई है। ठीक है, और भारत की तरफ के कृषि एवं कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। जो भारत के कृषि मंत्री है, नरेंद्र सिंह तोमर ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। किसने पार्टिसिपेट किया था? नरेंद्र सिंह तोमर ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। क्लियर एवरीवन? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर कल शाम को 5 बजे मेरे साथ जुड़िएगा, 5 PM पर मेरे साथ अटैच हो जाइएगा। कोयला मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले किस नवरत्न सार्वजनिक उद्यम ने पहली बार अप्रैल 2020 में कोयले का उत्पादन शुरू कर दिया है? कोयला मिनिस्ट्री। विच नवरत्न पब्लिक इंटरप्राइजेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कोल फर्स्ट स्टार्टेड द प्रोड्यूसिंग कोल इन अप्रैल 2020? अप्रैल 2020 में किसने कोयले का उत्पादन शुरू कर दिया है? तेल एंड प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, NLC इंडिया लिमिटेड या कोल इंडिया लिमिटेड? बताओ भाई जल्दी से आंसर देना शुरू करो जबरदस्त तरीके से। भाई सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में थम्स अप लगा के दिखा देना भाई। ठीक है, चलो बताओ आंसर दो जल्दी से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा NLC इंडिया लिमिटेड। NLC इंडिया लिमिटेड ने क्या किया है? कोयले का उत्पादन शुरू कर दिया। कहां पर शुरू किया? उड़ीसा में शुरू किया गया। कहां पर शुरू किया गया? उड़ीसा में शुरू किया गया है, तालाबारी में। कहां पर भाई? उड़ीसा में एक जगह पड़ती है तालाबारी।
तालाबारी में कोयला का जो है माइनिंग शुरू कर दी है। किसने शुरू कर दी है? एनएलसी इंडिया ने माइनिंग शुरू कर दी है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? एनएलसी इंडिया इसकी माइनिंग हो जाएगी। टेलीग्राम लिंक भी आपको अभी कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, इसमें पीडीएफ भी मिल जाएगी और टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, मेरे साथ जुड़े रहना रोज शाम को 5 बजे, आपको मिल जाएंगी सब चीज़ें हर शाम को 5 बजे और सुबह 8 बजे। कल सुबह 8 बजे आप सब हमें मिल जाने चाहिए 8 AM पर, ठीक है? करंट अफेयर की क्लास में। कौन सी क्लास में? करंट अफेयर क्लास में। डेली करंट अफेयर 8 बजे मेरा होगा और शाम को 5 बजे मेरा 6 मंथ का करंट अफेयर का क्लास चलता है, ठीक है गाइज? चलो भाई, तो ये क्वेश्चन रहा, ये रहे आज के क्वेश्चंस जो मैंने आपसे वादा किया था कि 9 बजे से पहले, देखिए 9 बजने से 2 मिनट पहले मैंने खत्म करवा दिया सारे क्वेश्चन, ठीक? और दो चीज़ें मैं आपको और बता दूं कि कोई भी अगर बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहा है तो बिहार पीसीएस का डायनेमिक बीपीएससी बैच चल रहा है और यूपीएससी 2021 के लिए कल से बैच शुरू हो रहा है। 3 से लेकर 7 बजे तक 4 घंटे रोज चलेगा यूपीएससी के लिए ये बैच, जितने लोगों को करना है वो ले सकते हैं। 14th फैकल्टी पढ़ाएंगी। कितनी फैकल्टी पढ़ा रही मेरे भाई? 14 फैकल्टी पढ़ाएंगी। 900 घंटे का कोर्स होगा। कितने घंटे का कोर्स होगा? 900 घंटे का कोर्स होगा। प्री और मेंस दोनों की तैयारी करवाई जाएगी इसमें, प्री और मेंस दोनों की तैयारी कराई जाएगी। तो कल से बैच शुरू हो रहा है, जिनको यूपीएससी की तैयारी करनी हो ये बैच ले सकते हैं। और बिहार पीसीएस का 66 नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो किसी को बिहार पीसीएस की तैयारी करनी है तो वो इसे ज्वाइन कर सकता है, ठीक है मेरे भाई? क्लियर? तो गाइस ये हमारे कुछ चैनल है, इनको लाइक और सब्सक्राइब करिए आप लोग सारे लोग। और बस भाई आज के सेशन में इतना ही रखेंगे, आप सब मेरे साथ जुड़े उसके लिए थैंक यू। कल सुबह 8 AM पर मेरे साथ जुड़ना मत भूलिएगा करंट अफेयर के क्लास में, और शाम को 5 PM पर मैं आपके साथ जो क्लास लूँगा उसका नाम होगा 6 मंथ करंट अफेयर। तो गाइज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। और बस आपका प्यार बना रहे, जिस तरह आप लोगों ने आज सपोर्ट किया है अपना प्यार बनाए रखिए। आपके लिए बेस्ट से बेस्ट न्यूज़ लेके आएंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगी। थैंक यू सो मच। संडे है, अपना पूरे दिन आज क्लासेस करिए, पढ़ाई करिए, शाम को इन्जॉय करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, अपनी दिनचर्या को अच्छा बनाइए। COVID-19 का टाइम है, घर से कम निकलिए, घर में ही इंजॉय करिए और सिलेक्शन ओरिएंटेड रहिए, पढ़ाई करते रहिए, सिलेक्शन को टारगेट करके रखिए, जल्दी ही आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।